रुतम दुखम द्राव्यति नाश्यतीति रुद्रः, जिसका अर्थ होता है ये रुत अर्थात दुख को विनष्ट कर देते हैं, इसलिए भगवान शिव को रुद्र कहा जाता है। प्रिय श्रोताओं, कलिकाल में भगवान श्याम सदा शिव को प्रसन्न करने का सबसे सरल साधन है उनका रुद्राभिषेक, और इसका अनुष्ठान शुक्ल यजुर्वेद में वर्णित रुद्राष्टाध्यायी के 10 अध्यायों के पाठ से किया जाता है। इसमें 8 अध्याय प्रमुख हैं, जिसके कारण ही इसे रुद्राष्टाध्यायी कहते हैं। इतना महत्वपूर्ण अनुष्ठान होने के पश्चात भी इसका हिंदी अनुवाद अभी तक नहीं किया गया है। यह महापुण्यप्रद शिव पूजा कठिन संस्कृत में है तथा हर कोई इसका अर्थ नहीं समझ पाता, यहाँ तक कि अक्सर इसका अनुष्ठान कराने वाले यजमान भी यह नहीं जान पाती कि वह रुद्राभिषेक करते समय भगवान रुद्र से किस प्रकार प्रार्थना कर रहे हैं तथा क्या मांग रहे हैं, जिसके कारण उन्हें इस अनुष्ठान का पूर्ण प्रभाव प्राप्त नहीं होता। हम आपके समक्ष संपूर्ण रुद्राभिषेक को हिंदी में प्रस्तुत कर रहे हैं। आप रोज इसका श्रवण करके प्रतिदिन रुद्राभिषेक करने का फल प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उससे पहले मेरा आपसे एक प्रश्न है। क्या आप यह जानते हैं कि भगवान शिव का किस पदार्थ से अभिषेक करने से क्या फल प्राप्त होता है? क्योंकि कई बार हम भगवान भोलेनाथ को नित्य जल दूध घी आदि विभिन्न पदार्थों से अभिषेक करते तो हैं, परंतु जो इच्छा हमारे मन में होती है और जो सामग्री हमने अर्पित की होती है उनमें समन्वय नहीं होता, जिसके कारण प्रभु की प्रसन्नता में विलम्ब होता है और हमारी इच्छा पूरी होने में बहुत अधिक समय लग जाता है। आइए मैं आपको यजुर्वेद में वर्णित यह अति महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। अपने कल्याण के लिए तथा भगवान सदा शिव की प्रसन्नता के निमित्त निष्काम भाव से यज्ञ करना चाहिए। इसका अनंत फल है। जल से रुद्राभिषेक करने पर वृष्टि मतलब बारिश होती है, अर्थात यदि कहीं बहुत सूखा पड़ रहा हो तो जलाभिषेक अत्यंत लाभप्रद है। व्याधि अर्थात किसी प्रकार से जीवन में रुकावट डालने वाली वस्तु व्यक्ति अथवा स्थिति की शांति के लिए कुशोदक अर्थात ऐसा जल जिसमें कुछ घास की पत्तियां छोड़ी गई हों उससे अभिषेक करना चाहिए। पशु प्राप्ति के लिए या आज के युग में वाहन आदि की प्राप्ति के लिए भी दही से अभिषेक करना चाहिए। लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए इक्षुरस अर्थात गन्ने के रस से अभिषेक करें। धन की प्राप्ति के लिए मधु तथा घृत से एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए तीर्थ के जल से श्रीमान शिव का अभिषेक करना चाहिए। पुत्र की इच्छा करने वाले को दूध अथवा शक्कर मिश्रित जल से अभिषेक करने पर पुत्र प्राप्त होता है। वंध्या काकवंध्या अर्थात मात्र एक संतान उत्पन्न करने वाली अथवा मृतवस्था स्त्री अर्थात जिसकी संतान उत्पन्न होते ही मर जाए या जो मृत संतान उत्पन्न करे, ऐसी माताओं को गाय के दुग्ध के द्वारा अभिषेक करने पर शीघ्र ही संतान की प्राप्ति होती है। जल की धारा भगवान शिव को अति प्रिय है, अतः ज्वर यानी बुखार के कोप को शांत करने के लिए जलधारा से अभिषेक करना चाहिए। 1000 मंत्रों सहित घृत की धारा से रुद्राभिषेक करने पर वंश का विस्तार होता है, इसमें संशय नहीं। प्रमेह रोग अर्थात पुरुषों तथा स्त्रियों में यौन रोगों के विनाश के लिए विशेष रूप से केवल दूध की धारा से अभिषेक करना चाहिए, इससे मनोभिलषित कामना की पूर्ति भी होती है। बुद्धि की जड़ता को दूर करने के लिए शक्कर मिले दूध से अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने पर भगवान शंकर की कृपा से उसकी बुद्धि श्रेष्ठ हो जाती है। सरसों के तेल से अभिषेक करने पर शत्रु का विनाश हो जाता है तथा मधु के द्वारा अभिषेक करने पर यक्ष्मा रोग जो एक प्रकार की फेफड़ों से जुड़ी समस्या है दूर हो जाता है। पाप क्षय की इच्छा वाले अर्थात पाप मोचन चाहने वालों को शहद से, आरोग्य की इच्छा वालों को घी से, दीर्घ आयु की इच्छा वालों को गौ दुग्ध से सदा शिव का अभिषेक करना चाहिए। इन द्रव्यों से महालिंग का अभिषेक करने पर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होकर भक्तों की ततत्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं। अतः भक्तों को यजुर्वेद विहित विधान से भगवान रुद्र का अभिषेक करना चाहिए। शिव पुराण में सनकादि ऋषियों के प्रश्न करने पर स्वयं शिव जी ने रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों द्वारा अभिषेक का महात्म्य बतलाते हुए कहा है कि मन कर्म तथा वाणी से परम पवित्र
तथा सभी प्रकार की आसक्तियों से रहित होकर भगवान शूल पाणी की प्रसन्नता के लिए रुद्राभिषेक करना चाहिए। इससे मनुष्य भगवान शिव की कृपा से सभी मनोकामनाओं को प्राप्त करता है और अंत में परम गति को प्राप्त होता है। रुद्राष्टाध्यायी के द्वारा रुद्राभिषेक से मनुष्यों की कुल परंपरा को भी आनंद की प्राप्ति होती है। वायु पुराण में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति समुद्र पर्यंत वन पर्वत जल एवं वृक्षों से युक्त तथा श्रेष्ठ गुणों से युक्त ऐसी पृथ्वी का दान करे जो धन धान्य सुवर्ण और औषधियों से युक्त है, उससे भी अधिक पुण्य एक बार के रुद्र जप एवं रुद्राभिषेक से है। इसलिए जो भगवान रुद्र का ध्यान करके रुद्री पाठ श्रवण अथवा रुद्राभिषेक यज्ञ करता है, वह उसी देह से निश्चित ही रुद्र रूप हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। वेदः शिवः शिवो वेदः, वेद शिव हैं और शिव वेद हैं, अर्थात शिव वेद स्वरूप हैं। इसी वाक्य को मन में धारण करते हुए आइए हम परम पवित्र शुक्ल यजुर्वेद के मंत्रों से भगवान शिव का रुद्राभिषेक प्रारंभ करते हैं। प्रेम से बोलिए, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ध्यानम्। चांदी के पर्वत के समान जिनकी श्वेत कांति है, जो सुंदर चंद्रमा को आभूषण रूप से धारण करते हैं, रत्नमय अलंकारों से जिनका शरीर उज्ज्वल है, जिनके हाथों में परशु मृग वर और अभय विद्यमान है, जो प्रसन्न हैं, जो पद्म के आसन पर विराजमान हैं, देवतागण जिनके चारों ओर खड़े होकर स्तुति करते हैं, जो बाघ की खाल पहनते हैं, जो विश्व के आदि जगत की उत्पत्ति के बीज और समस्त भयों को हरने वाले हैं, जिनके पांच मुख और तीन नेत्र हैं, उन महेश्वर का प्रतिदिन ध्यान करें। श्री हरि ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव रुद्राभिषेक प्रथम अध्याय। श्री गणेश जी की स्तुति तथा मन में कल्याणकारी संकल्प की स्थापना। श्री गणेश जी के लिए नमस्कार है। समस्त गणों का पालन करने के कारण गणपति रूप में प्रतिष्ठित आपको हम आवाहित करते हैं। प्रिय जनों का कल्याण करने के कारण प्रियपति रूप में प्रतिष्ठित आपको हम आवाहित करते हैं और पद्म आदि निधियों के स्वामी होने के कारण निधिपति रूप में प्रतिष्ठित आपको हम आवाहित करते हैं। हे हमारे परम घन रूप ईश्वर, आप मेरी रक्षा करें। मैं गर्भ से उत्पन्न हुआ जीव हूँ और आप गर्भादि रहित स्वाधीनता से प्रकट हुए परमेश्वर हैं। आपने ही हमें माता के गर्भ से उत्पन्न किया है। हे परमेश्वर, गान करने वाले का रक्षक गायत्री छंद, तीनों तापों का रोधक त्रिष्टुप छंद, जगत में विस्तीर्ण जगती छंद, संसार का कष्ट निवारक अनुष्टुप छंद, पंक्ति छंद सहित बृहती छंद, प्रभात प्रियकारी उष्णिक छंद के साथ ककुप छंद, ये सभी छंद सुंदर उक्तियों के द्वारा आपको शांत करें। हे ईश्वर, दो पाद वाले, चार पाद वाले, तीन पाद वाले, छह पाद वाले छंदों के लक्षणों से रहित अथवा छंदों के लक्षणों से युक्त वे सभी छंद सुंदर उक्तियों के द्वारा आपको शांत करें। प्रजापति संबंधी मरीचि आदि सात बुद्धिमान ऋषियों ने स्तोम आदि साम मंत्रों, गायत्री आदि छंदों, उत्तम कर्मों तथा श्रुति प्रमाणों के साथ अंगिरा आदि अपने पूर्वजों के द्वारा अनुष्ठित मार्ग का अनुसरण करके सृष्टि यज्ञ को उसी प्रकार क्रम से संपन्न किया था, जैसे रथी लगाम की सहायता से अश्व को अपने अभीष्ट स्थान की ओर ले जाता है। जो मन जागते हुए मनुष्य से बहुत दूर तक चला जाता है, वही द्युतिमान मन सुषुप्ति अवस्था में सोते हुए मनुष्य के समीप आकर लीन हो जाता है, तथा जो दूर तक जाने वाला और जो प्रकाशमान श्रोत्र आदि इंद्रियों को ज्योति देने वाला है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। कर्मानुष्ठान में तत्पर बुद्धि संपन्न मेधावी पुरुष यज्ञ में जिस मन से शुभ कर्मों को करते हैं, प्रजाओं के शरीर में और यज्ञीय पदार्थों के ज्ञान में जो मन अद्भुत पूज्य भाव से स्थित है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। जो मन प्रकर्ष ज्ञान स्वरूप चित्त स्वरूप और धैर्य रूप है, जो अविनाशी मन प्राणियों के भीतर ज्योति रूप से विद्यमान है और जिसकी सहायता के बिना कोई कर्म नहीं किया जा सकता, वह मेरा मन
कल्याणकारी संकल्प वाला हो, जिस शाश्वत मन के द्वारा भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल की सारी वस्तुएं सब ओर से ज्ञात होती हैं, और जिस मन के द्वारा सात होता वाला यज्ञ विस्तारित किया जाता है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो, जिस मन में ऋग्वेद की ऋचाएं और जिसमें सामवेद तथा यजुर्वेद के मंत्र उसी प्रकार प्रतिष्ठित हैं जैसे रथ चक्र की नाभि में तीलियां जुड़ी रहती हैं, जिस मन में प्रजाओं का सारा ज्ञान पट में तंतु की भांति ओतप्रोत रहता है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो, जो मन मनुष्यों को अपनी इच्छा के अनुसार उसी प्रकार घुमाता है जैसे कोई अच्छा सारथी लगाम के सहारे वेगवान घोड़ों को अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित करता है। बाल्य, यौवन, वार्धक्य आदि से रहित तथा अति वेगवान जो मन हृदय में स्थित है, वह मेरा मन कल्याणकारी संकल्प वाला हो। इस प्रकार रुद्रपाठ का पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए पार्वती पति भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय। श्री शिव रुद्राभिषेक द्वितीय अध्याय, महानारायण पुरुष की स्तुति तथा उनका वर्णन। ओम। सभी लोकों में व्याप्त महानारायण सर्वात्मक होने से अनंत सिर वाले, अनंत नेत्र वाले और अनंत चरण वाले हैं। वे पांच तत्वों से बने इस गोलक रूप समस्त व्यष्टि और समिष्टि ब्रह्मांड को सब ओर से व्याप्त कर नाभि से 10 अंगुल परिमित देश का अतिक्रमण कर हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हैं। जो यह वर्तमान जगत है, जो अतीत जगत है और जो भविष्य में होने वाला जगत है, जो जगत के बीज अथवा अन्न के परिणाम भूत वीर्य से नर, पशु, वृक्ष आदि के रूप में प्रकट होता है, वह सब कुछ अमृतत्व अर्थात मोक्ष के स्वामी महानारायण पुरुष का ही विस्तार है। इन महानारायण पुरुष की ये सब विभूतियां हैं, अर्थात भूत, भविष्यत, वर्तमान में विद्यमान सब कुछ उन्हीं की महिमा का एक अंश है। यह विराट पुरुष तो इस संसार से अतिशय अधिक हैं, इसलिए यह सारा विराट जगत इनका चतुर्थांश है। इन परमात्मा का अविशिष्ट 3 पाद अपने अमृतमय अर्थात विनाश रहित प्रकाशमान स्वरूप में स्थित है। ये महानारायण पुरुष अपने 3 पादों के साथ ब्रह्मांड से ऊपर उस दिव्य लोक में अपने सर्वोत्कृष्ट रूप में निवास करते हैं और अपने 1 चरण अर्थात चतुर्थांश से इस संसार को व्याप्त करते हैं। अपने इसी चरण को माया में प्रविष्ट कराकर यह महानारायण देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि के नाना रूप धारण कर समस्त चराचर जगत में व्याप्त हैं। उन महानारायण पुरुष से सृष्टि के प्रारंभ में विराट स्वरूप ब्रह्मांड देह तथा उस देह का अभिमानी पुरुष हिरण्यगर्भ प्रकट हुआ। उन विराट पुरुष ने उत्पन्न होने के साथ ही अपनी श्रेष्ठता स्थापित की। बाद में उसने भूमिका, तदनंतर देव, मनुष्य आदि के पुरों अर्थात शरीरों का निर्माण किया। उन सर्वात्मा महानारायण ने सर्वात्मा पुरुष का जिसमें यज्ञ किया जाता है ऐसे यज्ञ से पृष्ठदाज्य अर्थात दधि से मिश्रित घृत को संपादित किया। उन महानारायण ने उन वायु देवता वाले पशुओं तथा जो हरिण आदि वनवासी तथा अश्व आदि ग्रामवासी पशु थे उनको भी उत्पन्न किया। उस सर्वहुत यज्ञ पुरुष से ऋग्वेद और सामवेद उत्पन्न हुए, उसी से सर्वविद छंद उत्पन्न हुए और यजुर्वेद भी उसी यज्ञ पुरुष से उत्पन्न हुआ। उसी यज्ञ पुरुष से अश्व उत्पन्न हुए और वे सब प्राणी उत्पन्न हुए जिनके ऊपर नीचे दोनों तरफ दांत हैं। उसी यज्ञ पुरुष से गौवें उत्पन्न हुईं और उसी से भेड़ बकरियां पैदा हुईं। सृष्टि साधन योग्य या देवताओं और सनक आदि ऋषियों ने मानस याग की संपन्नता के लिए सृष्टि के पूर्व उत्पन्न उस यज्ञ साधन भूत विराट पुरुष का प्रोक्षण किया और उसी विराट पुरुष से ही उस यज्ञ को संपादित किया। जब यज्ञ साधन भूत इस विराट पुरुष की महानारायण से प्रेरित महत अहंकार आदि की प्रक्रिया से उत्पत्ति हुई, तब उसके कितने प्रकारों की परिकल्पना की गई। उन विराट पुरुष के मुंह, भुजा, जंघा और चरणों का क्या स्वरूप कहा गया है। ब्राह्मण उस यज्ञोत्पन्न विराट पुरुष का मुख स्थानीय होने के कारण उसके मुख से उत्पन्न हुआ, क्षत्रिय उसकी भुजाओं से उत्पन्न हुआ, वैश्य उसकी जंघाओं से उत्पन्न हुआ
तथा शूद्र उसके चरणों से उत्पन्न हुआ। विराट पुरुष के मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ, नेत्र से सूर्य उत्पन्न हुआ, कान से वायु और प्राण उत्पन्न हुए तथा मुख से अग्नि उत्पन्न हुई। उस विराट पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ और सिर से स्वर्ग प्रकट हुआ। इसी तरह से चरणों से भूमि और कानों से दिशाओं की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार देवताओं ने उस विराट पुरुष के विभिन्न अवयवों से अन्य लोकों की कल्पना की। जब विद्वानों ने इस विराट पुरुष के देह के अवयवों को ही हवि बनाकर इस ज्ञान यज्ञ की रचना की, तब वसंत ऋतु, घृत, ग्रीष्म ऋतु, समिधा और शरद ऋतु हवि बनी थी। जब इस मानस यज्ञ का अनुष्ठान करते हुए देवताओं ने इन विराट पुरुष को ही पशु के रूप में भावित किया, उस समय गायत्री आदि सात छंदों ने सात परिधियों का स्वरूप स्वीकार किया। 12 मास, 5 ऋतु, 3 लोक और सूर्य देव को मिलाकर 21 अथवा गायत्री आदि सात, अति जगती आदि सात और कृति आदि सात छंदों को मिलाकर 21 संविधाएं बनी। सिद्ध संकल्प वाले देवताओं ने विराट पुरुष के अवयवों की हवि के रूप में कल्पना कर इस मानस यज्ञ में यज्ञ पुरुष महानारायण की आराधना की। बाद में ये ही महानारायण की उपासना के मुख्य उपादान बने। जिस स्वर्ग में पुरातन साध्य देवता रहते हैं, उस दुख से रहित लोक को ही महानारायण यज्ञ पुरुष की उपासना करने वाले भक्तगण प्राप्त करते हैं। उन महानारायण की उपासना के और भी प्रकार हैं। पृथ्वी और जल के रस से अर्थात 5 महाभूतों के रस से पुष्ट सारे विश्व का निर्माण करने वाले उस विराट स्वरूप से भी पहले जिसकी स्थिति थी, उस रस के रूप को धारण करने वाले वह महानारायण पुरुष पहले आदित्य के रूप में उदित होते हैं। प्रथम मनुष्य रूप उस पुरुष मेध्या जी का यह आदित्य रूप में अवतरित ब्रह्म ही मुख्य आराध्य देवता बनता है। आदित्य स्वरूप अविद्या के लवलेश से भी रहित तथा ज्ञान स्वरूप परम पुरुष उन महानारायण को मैं जानता हूँ। कोई भी प्राणी उन आदित्य रूप महानारायण पुरुष को जान लेने के उपरांत ही मृत्यु का अतिक्रमण कर अमृत्यु को प्राप्त करता है। परम आश्रय के निमित्त अर्थात अमृतत्व की प्राप्ति के लिए इससे भिन्न कोई दूसरा उपाय नहीं है। सर्वात्मा प्रजापति अंतर्यामी रूप से गर्भ के मध्य में प्रकट होते हैं। जन्म न लेते हुए भी वह देवता, त्रियंक, मनुष्य आदि योनियों में नाना रूप में प्रकट होते हैं। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मा के उत्पत्ति स्थान उन महानारायण पुरुष को सब ओर से देखते हैं, जिनमें सब लोग स्थित हैं। जो आदित्य स्वरूप प्रजापति सभी देवताओं को शक्ति प्रदान करने के लिए सदा प्रकाशित रहते हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवताओं का बहुत पूर्व काल से ही हित करते आए हैं, जो इन सब के पूज्य हैं, जो इन सब देवताओं से पहले प्रादुर्भूत हुए हैं, उन ब्रह्म ज्योति स्वरूप परम पुरुष को हम प्रणाम करते हैं। इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं ने शोभन ब्रह्म ज्योति रूप आदित्य देव को प्रकट करते हुए सर्वप्रथम यह कहा कि हे आदित्य, जो ब्राह्मण आपके इस अजर अमर स्वरूप को जानता है, समस्त देवगण उस उपासक के वश में रहते हैं। हे महानारायण आदित्य, श्री और लक्ष्मी आपकी पत्नियां हैं। ब्रह्मा के दिन रात पार्श्व स्वरूप हैं। आकाश में स्थित नक्षत्र आपके स्वरूप हैं। ध्यावा पृथ्वी आपके विकसित मुख हैं। प्रयत्न पूर्वक आप सदा मेरे कल्याण की इच्छा करें। मुझे आप अपना कल्याणमय लोक प्राप्त करावें और सारे योगेश्वर मुझे प्रदान करें। इस प्रकार रुद्र पाठ का 2वां अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए पार्वती पति भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय। श्री शिव रुद्राभिषेक 3रा अध्याय। इंद्र आदि देवताओं की स्तुति तथा इसका श्रवण करने वाले को विजय और यश की प्राप्ति के लिए कवच आदि से सुरक्षित करना। ओम। शीघ्रगामी वज्र के समान तीक्ष्ण वर्षा की स्वभाव की उपमा वाले भयकारी शत्रुओं के अतिशय घातक मनुष्यों के क्षोभ के हेतु बार बार गर्जन करने वाले देवता होने से पलक न झपकाने वाले अत्यंत सावधान तथा अद्वितीय वीर इंद्र एक साथ ही शत्रुओं की सैकड़ों सेनाओं को जीत लेते हैं। हे युद्ध करने वाले मनुष्यों, प्रगल्भ तथा भय रहित शब्द करने वाले, अनेक युद्धों को जीतने वाले,
युद्धरत, एक चित्त होकर हाथ में बाण धारण करने वाले, जयशील तथा स्वयं अजेय और कामनाओं की वर्षा करने वाले, इंद्र के प्रभाव से उस शत्रु सेना को जीतो और उसे अपने वश में करके विनष्ट कर दो। वे जितेंद्रिय अथवा शत्रुओं को अधीन करने वाले, हाथ में बाण लिए हुए धनुर्धारियों को युद्ध के लिए ललकारने वाले इंद्र, शत्रु समूहों को एक साथ युद्ध में जीत सकते हैं। यजमानों के यज्ञ में सोमपान करने वाले, बाहुबली तथा उत्कृष्ट धनुष वाले वे इंद्र अपने धनुष से छोड़े हुए बाणों से शत्रुओं का नाश कर देते हैं। वे इंद्र हमारी रक्षा करें। हे बृहस्पति, आप राक्षसों का नाश करने वाले होवें। रथ के द्वारा सब ओर विचरण करें, शत्रुओं को पीड़ित करते हुए और उनकी सेनाओं को अतिशय हानि पहुंचाते हुए युद्ध में हिंसाकारियों को जीतकर हमारे रथों की रक्षा करें। हे इंद्र, आप दूसरों का बल जानने वाले, अत्यंत पुरातन, अतिशय शूर, महाबलिष्ठ, अन्नवान, युद्ध में क्रूर, चारों तरफ से वीर योद्धाओं से युक्त, सब ओर से परिचारकों से आवृत, बल से ही उत्पन्न, स्तुति को जानने वाले तथा शत्रुओं का तिरस्कार करने वाले हैं। आप अपने जयशील रथ पर आरोहण करें। हे समान जन्म वाले देवताओं, असुर कुल के नाशक, वेदवाणी के ज्ञाता, हाथ में वज्र धारण करने वाले, संग्राम को जीतने वाले, बल से शत्रुओं का संहार करने वाले, इंद्रदेव को पराक्रम दिखाने के लिए उत्साह दिलाइए और इनको उत्साहित करके आप लोग स्वयं भी उत्साह से भर जाइए। शत्रुओं के प्रति दयाहीन, पराक्रम संपन्न, अनेक प्रकार से क्रोधयुक्त अथवा सैकड़ों यज्ञ करने वाले, दूसरों से विनष्ट न होने योग्य, शत्रु सेना का संहार करने वाले तथा किसी के भी द्वारा प्रहरित न हो सकने वाले इंद्र, संग्राम में असुर कुलों का एक साथ नाश करते हुए हमारी सेना की रक्षा करें। बृहस्पति तथा इंद्रदेव, सभी प्रकार की शत्रु सेनाओं का मर्दन करने वाली विजयशील देव सेनाओं के नायक हैं। यज्ञ पुरुष विष्णु, सोम और दक्षिणा इनके आगे आगे चलें। सभी मरुदगण भी सेना के आगे आगे चलें। महानुभाव, सारे लोगों का नाश करने की सामर्थ्य वाले तथा विजय पाने वाले देवताओं, 12 आदित्यों, मरुदगणों, कामना की वर्षा करने वाले इंद्र और राजा वरुण की सभा से जय जयकार का शब्द उठ रहा है। हे इंद्र, आप अपने शस्त्रों को भली प्रकार सुसज्जित कीजिए, मेरे वीर सैनिकों के मन को हर्षित कीजिए। हे वृत्रनाशक इंद्र, अपने घोड़ों की गति को तेज कीजिए, विजयशील रथों से जय घोष का उच्चारण हो। शत्रु की पताकाओं से हमारी पताकाओं के मिलने पर इंद्र हमारी रक्षा करें, हमारे बाण शत्रुओं को नष्ट कर उन पर विजय प्राप्त करें और हमारे वीर सैनिक शत्रुओं के सैनिकों से श्रेष्ठता प्राप्त करें। हे देवगण, आप लोग संग्राम में हमारी रक्षा कीजिए। हे शत्रुओं के प्राणों को कष्ट देने वाली व्याधि, इन वैरियों के चित्त को मोहित करती हुई इनके सिर आदि अंगों को ग्रहण करो, तत्पश्चात दूर चली जाओ और पुनः उनके पास जाकर उनके हृदयों को शोक से दग्ध कर दो। हमारे शत्रु घने अंधकार से आच्छान्न हो जाएं। वेद मंत्रों से तीक्ष्ण किए हुए, हे बाण रूप ब्रह्मास्त्र, मेरे द्वारा प्रक्षिप्त किए गए तुम शत्रु सेना पर गिरो, शत्रु के पास पहुंचो और उनके शरीरों में प्रवेश करो, इनमें से किसी को भी जीवित न छोड़ो। हे हमारे वीर पुरुषों, शत्रु की सेना पर शीघ्र आक्रमण करो और उन पर विजय पाओ। इंद्र, तुम लोगों का कल्याण करें, तुम्हारी भुजाएं शस्त्र उठाने में समर्थ हों, जिससे किसी भी प्रकार तुम लोग शत्रुओं से पराजय का तिरस्कार न प्राप्त करो। हे मरुदगण, जो यह शत्रुओं की सेना अपने बल पर हमसे स्पर्धा करती हुई हमारे सामने आ रही है, उसको अकर्मण्यता के अंधकार में डुबा दो, जिससे कि उस शत्रु सेना के सैनिक एक दूसरे को न पहचान पाएं और परस्पर शस्त्र चलाकर नष्ट हो जाएं। जिस युद्ध में शत्रुओं के चलाए हुए बाण फैली हुई शिखा वाले बालकों की तरह इधर उधर गिरते हैं, उस युद्ध में इंद्र, बृहस्पति और देव माता अदिति हमें विजय दिलाएं। ये सब देवता सर्वदा हमारा कल्याण करें। हे यजमान, मैं तुम्हारे मर्म स्थानों को कवच से ढकता हूँ। ब्राह्मणों के राजा सोम तुमको मृत्यु के मुख से बचाने वाले कवच से आच्छादित करें। वरुण तुम्हारे कवच को उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट बनाएं और अन्य सभी देवता विजय की ओर अग्रसर करते हुए तुम्हारा उत्साह वर्धन करें।
इस प्रकार रुद्र पाठ का तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए पार्वतीपति भूत भावन गंगाधर भगवान भोलेनाथ की जय। श्री शिव रुद्राभिषेक चतुर्थो अध्याय। सब प्रकार के कल्याण की प्राप्ति के लिए भगवान सूर्य देव की स्तुति। ओम। हे सूर्य देव, यजमान में अखंडित आयु स्थापित करते हुए आप इस अत्यंत स्वादु सोम रूप हवि का पान कीजिए, जो सूर्य देव वायु से प्रेरित आत्मा द्वारा प्रजा का पालन और पोषण करते हैं। वे अनेक रूपों में आलोकित होते हैं। सूर्य रश्मियां संपूर्ण जगत को आलोक प्रदान करने के लिए जात वेदस अर्थात अग्नि तेजोमय सूर्य देव को ऊपर की ओर ले जाती हैं। सबको शुद्ध करने वाले हे वरुण देव, आप जिस अनुग्रह दृष्टि से उस सुपर्ण स्वरूप को देखते हैं, उसी चक्षु से आप हम ऋत्विजों को भी देखिए। हे दिव्य अश्विनी कुमारों, आप दोनों सूर्य के समान कांतिमान रथ से हमारे यहाँ आइए और पुरोडाश दधि आदि से यज्ञ को सींच कर उसे बहुत हवि वाला बनाइए। हे इंद्र, आप जिन यज्ञ क्रियाओं में पुनः पुनः सोमरस का पान कर वृद्धि को प्राप्त होते हैं, उन उत्कृष्ट विस्तारवान सर्वश्रेष्ठ यज्ञों में कुश आसन के सेवी स्वर्गवेत्ता शत्रुओं को कंपित करने वाले तथा जेतव्य वस्तुओं को शीघ्र जीतने वाले आप बलपूर्वक यजमान को यज्ञ फल प्रदान करते हैं। जैसे पुरातन भृगु आदि ऋषियों पूर्व पितर आदि विश्व के सभी प्राणियों तथा वर्तमान यजमानों ने आपकी स्तुति की है, उसी प्रकार हम आपकी स्तुति करते हैं। विद्युत के लक्षणों वाली ज्योति से परिवृत यह कांतिमान चंद्र ग्रीष्मांत के समय जल निर्माण के निमित्त सूर्य अथवा द्यूलोक के गर्भ में स्थित रहने वाले जल को प्रेरित करता है। बुद्धिमान विप्रगण सूर्य से जल की संगति के समय मधुर वाणियों से इस सोम की उसी प्रकार स्तुति करते हैं जैसे लोग मधुर वचनों से अपने शिशु को प्रसन्न करते हैं। यह कैसा आश्चर्य है कि देवताओं के जीवन धार तेज समूह तथा मित्र वरुण और अग्नि के नेत्र रूप सूर्य उदय को प्राप्त हुए हैं। स्थावर जंगम में जगत के आत्मस्वरूप इन सूर्य देव ने पृथ्वी द्यूलोक और अंतरिक्ष को अपने तेज से पूर्णतः व्याप्त कर रखा है। सब जीवों के हितकारी अंतर्यामी सूर्य देव हमारी सुंदर आहुतियों के कारण प्रशंसा योग्य यज्ञशाला में प्रकट हों। हे जरा रहित देवताओं, आगमन काल पर जिस प्रकार आप सब तृप्त होते हैं, उसी प्रकार इस सारे जगत को भी प्रज्ञा से तृप्त करें। हे अंधकार के नाशक ऐश्वर्य युक्त सूर्य देव, आज जहाँ कहीं भी आप उदित होते हैं वह सब स्थान आपके ही वश में हो जाता है। हे सूर्य देव, आप संसार सागर में नौका के समान हैं, सबके दर्शन योग्य हैं तथा सबको तेज प्रदान करने वाले हैं। प्रकाशित होने वाले सारे संसार को आप ही प्रकाशित करते हैं अर्थात अग्नि विद्युत नक्षत्र चंद्रमा ग्रह तारों आदि में आपकी ही ज्योति प्रकाशित हो रही है। सूर्य देव का जो यह देवत्व है और जो यह ऐश्वर्य है वह विराट स्वरूप देह के मध्य में सब ओर से विस्तारित ग्रह मंडल को अपनी आकर्षण शक्ति से नियमित रखता है। जब ये अपनी हरित वर्ण की किरणों को आकाश मंडल में अपनी आत्मा से युक्त करते हैं, तदनंतर ही रात्रि अपने अंधकार रूपी वस्त्र से सबको आच्छादित कर देती है। भगवान सूर्य स्वर्गलोक के उत्संग में मित्र देव और वरुण देव का रूप धारण करते हैं तथा उससे मनुष्यों को भली भांति देखते हैं अर्थात मित्र देव के रूप में पुण्य आत्माओं को देखकर उन पर अनुग्रह करते हैं और वरुण रूप में दुष्ट जनों को देखकर उनका निग्रह करते हैं। इन सूर्य देव का अन्य स्वरूप अनंत अर्थात देश काल के परिच्छेद से रहित मायोपाधि का नाशक ब्रह्म ही है। इनके साकार रूप को इंद्रियों की वृत्तियां अथवा किरणें धारण करती हैं अर्थात भगवान सूर्य ही सगुण और निर्गुण ब्रह्म हैं। हे जगत के प्रेरक सत्य स्वरूप सूर्य देव, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। हे आदित्य, आप ही महान हैं। स्तोतागण आपकी महान और अविनश्वर महिमा का गान करते हैं। हे दीप्यमान सत्य स्वरूप, आप महान हैं। हे सत्य स्वरूप सूर्य, आप धन अथवा यश से महान हैं। हे सत्य स्वरूप देव, आप महान हैं। आप अपनी महिमा के कारण देवताओं के मध्य असुर विनाशक
अथवा समस्त प्राणियों का कल्याण करने वाले हैं। आप सभी कार्यों में अर्घदानादि के रूप में प्रथम पूज्य हैं। आपकी ज्योति सर्वव्यापी तथा अनुलंघनीय है। सूर्य देव की उपासना करने वाले, इंद्र आदि देवों की उपासना से प्राप्त होने वाले धन धान्य ऐश्वर्य आदि भोगों को स्वतः प्राप्त कर लेते हैं। अतः हमको चाहिए कि प्रकाश की किरणों के साथ जब सूर्य भगवान उदित होते हैं, तब हम उनके निमित्त यज्ञ में देव भाग अर्पित करें। हे सूर्य रश्मि रूप देवताओं, अब आज सूर्य का उदय होने पर आप लोग हमें पाप और अपयश से मुक्त करें। मित्र, वरुण, अदिति, समुद्र, पृथ्वी और स्वर्ग, ये सब हमारे वचनों को अंगीकार करें। सबको प्रेरणा प्रदान करने वाले सूर्य देव सुवर्णमय रथ में आरूढ़ होकर कृष्ण वर्ण रात्रि लक्षण वाले अंतरिक्ष मार्ग में पुनरावर्तन क्रम से भ्रमण करते हुए देवता मनुष्य आदि को अपने अपने व्यापारों में व्यवस्थित करते हुए तथा संपूर्ण भुवनों को देखते हुए विचरण करते हैं। इस प्रकार रुद्रपाठ का चौथा अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए पार्वतीपति भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय। श्री शिव रुद्राभिषेक पंचम अध्याय रुद्र सूक्त का वर्णन। ओम। दुख दूर करने वाले अथवा ज्ञान प्रदान करने वाले हे रुद्र, आपके क्रोध के लिए नमस्कार है, आपके बाणों के लिए नमस्कार है और आपकी दोनों भुजाओं के लिए नमस्कार है। कैलाश पर रहकर संसार का कल्याण करने वाले अथवा वाणी में स्थित होकर लोगों को सुख देने वाले या मेघ में स्थित होकर वृष्टि के द्वारा लोगों को सुख देने वाले हे रुद्र, आपका जो मंगलदायक सौम्य केवल पुण्य प्रकाशक शरीर है, उस अत्यंत सुखकारक शरीर से हमारी ओर देखिए अर्थात हमारी रक्षा कीजिए। कैलाश पर रहकर संसार का कल्याण करने वाले तथा मेघों में स्थित होकर वृष्टि के द्वारा जगत की रक्षा करने वाले हे सर्वज्ञ रुद्र, शत्रुओं का नाश करने के लिए जिस बाण को आप अपने हाथों में धारण करते हैं वह कल्याणकारक हो और आप मेरे पुत्र पौत्र तथा गो अश्व आदि का नाश मत कीजिए। हे कैलाश पर शयन करने वाले, आपको प्राप्त करने के लिए हम मंगलमय वचन से आपकी स्तुति करते हैं। हमारे समस्त पुत्र पौत्र तथा पशु आदि जैसे भी नीरोग तथा निर्मल मन वाले हों वैसा आप करें। अत्यधिक वंदनशील समस्त देवताओं में मुख्य देवगणों के हितकारी तथा रोगों का नाश करने वाले रुद्र मुझसे सबसे अधिक बोलें, जिससे मैं सर्वश्रेष्ठ हो जाऊं। हे रुद्र, समस्त सर्प व्याघ्र आदि हिंसकों का नाश करते हुए आप अधोगमन करने वाली राक्षसियों को हमसे दूर कर दें। उदय के समय ताम्र वर्ण अर्थात अत्यंत रक्त, अस्तकाल में अरुण वर्ण अर्थात रक्त, अन्य समय में वभ्रु अर्थात पिंगल वर्ण तथा शुभ मंगलों वाला जो यह सूर्य रूप है वह रुद्र ही है। किरण रूप में ये जो हजारों रुद्र इन आदित्य के सभी ओर स्थित हैं, इनके क्रोध का हम अपनी भक्तिमय उपासना से निवारण करते हैं। जिन्हें अज्ञानी गोप तथा जल भरने वाली दासियां भी प्रत्यक्ष देख सकती हैं, विष धारण करने से जिनका कंठ नील वर्ण का हो गया है तथापि विशेषतः रक्त वर्ण होकर जो सर्वदा उदय और अस्त को प्राप्त होकर गमन करते हैं, वे रविमंडल स्थित रुद्र हमें सुखी कर दें। नीलकंठ सहस्त्र नेत्र वाले इंद्र स्वरूप और वृष्टि करने वाले रुद्र के लिए मेरा नमस्कार है। उन रुद्र के जो भृत्य हैं उनके लिए भी मैं नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आप धनुष की दोनों कोटियों के मध्य स्थित प्रत्यंचा का त्याग कर दें और अपने हाथों में स्थित बाणों को भी दूर फेंक दें। जटाजूट धारण करने वाले रुद्र का धनुष प्रत्यंचा रहित रहे, तूरीण में स्थित बाणों के नोकदार अग्रभाग नष्ट हो जाएं, इन रुद्र के जो बाण हैं वे भी नष्ट हो जाएं तथा इनके खड़ग रखने का कोष भी खड़ग रहित हो जाए अर्थात वे रुद्र हमारे प्रति सर्वथा शस्त्र रहित हो जाएं। अत्यधिक वृष्टि करने वाले हे रुद्र, आपके हाथ में जो धनुष रूप आयुध है उस सुदृढ़ तथा अनुपद्रवकारी धनुष से हमारी सब ओर से रक्षा कीजिए। हे रुद्र, आपका धनुष रूप आयुध सब ओर से हमारा त्याग करे अर्थात हमें न मारे और आपका जो बाणों से भरा तरकश है उसे हमसे दूर रखिए। सौ तूरीण और सहस्त्र नेत्र धारण करने वाले
हे रुद्र, धनुष की प्रत्यंचा दूर करके और बाणों के अग्रभागों को तोड़कर आप हमारे प्रति शांत और शुद्ध मन वाले हो जाएं। हे रुद्र, शत्रुओं को मारने में प्रगल्भ और धनुष पर न चढ़ाए गए आपके बाण के लिए हमारा प्रणाम है। आपकी दोनों बाहुओं और धनुष के लिए भी हमारा प्रणाम है। हे रुद्र, हमारे गुरु प्रतव्य आदि वृद्ध जनों को मत मारिए। हमारे बालक की हिंसा मत कीजिए। हमारे तरुण को मत मारिए। हमारे गर्भस्थ शिशु का नाश मत कीजिए। हमारे माता पिता को मत मारिए तथा हमारे प्रिय पुत्र पौत्र आदि की हिंसा मत कीजिए। हे रुद्र, हमारे पुत्र पौत्र आदि का विनाश मत कीजिए। हमारी आयु को नष्ट मत कीजिए। हमारी गौओं को मत मारिए। हमारे घोड़ों का नाश मत कीजिए। हमारे क्रोध युक्त वीरों की हिंसा मत कीजिए। हवि से युक्त होकर हम सब सदा आपका आवाहन करते हैं। भुजाओं में सुवर्ण धारण करने वाले सेना नायक रुद्र के लिए नमस्कार है। दिशाओं के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। पूर्ण रूप हरे केशों वाले वृक्ष रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। जीवों का पालन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। कांतिमान बाल तृण के समान पीत वर्ण वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। मार्गों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। नीलवर्ण केश से युक्त तथा मंगल के लिए यज्ञोपवीत धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। गुणों से परिपूर्ण मनुष्यों के स्वामी रुद्र के लिए नमस्कार है। कपिल वर्ण वाले अथवा वृषभ पर आरूढ़ होने वाले तथा शत्रुओं को बेधने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अन्नों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। संसार के आयुध रूप अथवा जगन निवर्तक रुद्र के लिए नमस्कार है। जगत का पालन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। उद्यत आयुध वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। देहों का पालन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। न मारने वाले सारथी रूप रुद्र के लिए नमस्कार है तथा वनों के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। लोहित वर्ण वाले तथा गृह आदि के निर्माता विश्वकर्मा रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। वृक्षों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। भुवन का विस्तार करने वाले तथा समृद्धिकारक रुद्र के लिए नमस्कार है। औषधियों के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। आलोचन कुशल व्यापारकर्ता रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। वन के लता वृक्ष आदि के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। युद्ध में उग्र शब्द करने वाले तथा शत्रुओं को रुलाने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। हाथी घोड़ा रथ पैदल आदि सेनाओं के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। कर्ण पर्यंत प्रत्यंचा खींचकर युद्ध में शीघ्रता पूर्वक दौड़ने वाले अथवा संपूर्ण लाभ की प्राप्ति कराने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। शरणागत प्राणियों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। शत्रुओं का तिरस्कार करने वाले तथा शत्रुओं को भेदने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सब प्रकार से प्रहार करने वाली शूर सेनाओं के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। खड़ग चलाने वाले महान रुद्र के लिए नमस्कार है। गुप्त चोरों के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। अपहार की बुद्धि से निरंतर गतिशील तथा हरण की इच्छा से बाजार वाटिका आदि में विचरण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है तथा वनों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। वंचना करने वाले तथा अपने स्वामी को विश्वास दिलाकर धन हरण करके उसे ठगने वाले रुद्र रूप के लिए नमस्कार है। गुप्त धन चुराने वालों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। बाण तथा तुरीण धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। प्रकट रूप में चोरी करने वालों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। वज्र धारण करने वाले तथा शत्रुओं को मारने की इच्छा वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। खेतों में धान्य आदि चुराने वालों के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। प्राणियों पर घात करने के लिए खड़ग धारण कर रात्रि में विचरण करने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है तथा दूसरों को काट कर उनका धन हरण करने वालों के पालक रुद्र के लिए नमस्कार है। सिर पर पगड़ी धारण करके पर्वतादि दुर्गम स्थानों में विचरने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है।
छल पूर्वक दूसरों के क्षेत्र गृह आदि का हरण करने वालों के पालक रुद्र रूप के लिए नमस्कार है। लोगों को भयभीत करने के लिए बाण धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। धनुष धारण करने वाले आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। धनुष पर बाण का संधान करने वाले आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। धनुष को भली भांति खींचने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। बाणों को सम्यक छोड़ने वाले आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। पापियों के दमन के लिए बाण चलाने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। शत्रुओं को बेधने वाले आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। स्वप्नावस्था का अनुभव करने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। जागृत अवस्था वाले आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। सुषुप्ति अवस्था वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। बैठे हुए रुद्रों के लिए नमस्कार है। स्थित रहने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। वेगवान गति वाले आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। सभा रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। सभापति रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। अश्वरूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। अश्वपति रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। सब प्रकार से वेधन करने वाले देवसेना रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। विशेष रूप से वेधन करने वाले देवसेना रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। उत्कृष्ट भृत्य समूहों वाली ब्राह्मी आदि माता स्वरूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। और मारने में समर्थ दुर्गा आदि माता स्वरूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। देवानुचर भूतगण रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। भूतगणों के अधिपति रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। भिन्न भिन्न जाति समूह रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। विभिन्न जाति समूहों के अधिपति रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। मेधावी ब्रह्म जिज्ञासु रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। मेधावी ब्रह्म जिज्ञासुओं के अधिपति रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। निकृष्ट रूप वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है। नानाविध रूपों वाले विश्व रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। सेना रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। सेनापति रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। रथी रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। रथ विहीन आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। रथों के अधिष्ठाता रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। सारथी रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। जाति तथा विद्या आदि से उत्कृष्ट प्राणी रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। प्रमाण आदि से अल्प रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। शिल्पकार रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। रथ निर्माता रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। कुंभकार रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। लोहकार रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। वन पर्वतादि में विचरने वाले निषाद रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। पक्षियों को मारने वाले पुलकसादि रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। श्वानों के गले में बंधी रस्सी धारण करने वाले रुद्र रूपों के लिए नमस्कार है। और मृगों की कामना करने वाले व्याध रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। श्वान रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। श्वानों के स्वामी रूप आप रुद्रों के लिए नमस्कार है। प्राणियों के उत्पत्तिकर्ता रुद्र के लिए नमस्कार है। दुखों के विनाशक रुद्र के लिए नमस्कार है। पापों का नाश करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। पशुओं के रक्षक रुद्र के लिए नमस्कार है। हलाहलपान के फल स्वरूप नील वर्ण के कंठ वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। और श्वेत कंठ वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। जटाजूट धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। मुंडित केश वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। हजारों नेत्र वाले इंद्र रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। सैकड़ों धनुष धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। कैलाश पर्वत पर शयन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। सभी प्राणियों के अंतर्यामी विष्णु रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। अत्यधिक सेचन करने वाले मेघ रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। और बाण धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अल्प देह वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। संकुचित अंगों वाले वामन रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। बृहत्काय रुद्र के लिए नमस्कार है। अत्यंत वृद्धावस्था वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। अत्यधिक आयु वाले रुद्र के लिए नमस्कार है। विद्या विनयादि गुणों से संपन्न विद्वानों के साथी रूप रुद्र के लिए नमस्कार है। जगत के आदिभूत रुद्र के लिए नमस्कार है। और
सर्वत्र मुख स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है, जगतव्यापी रुद्र के लिए नमस्कार है, गतिशील रुद्र के लिए नमस्कार है, वेग वाली वस्तुओं में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है, जल प्रवाह में विद्यमान आत्मशलाघी रुद्र के लिए नमस्कार है, जल तरंगों में व्याप्त रुद्र के लिए नमस्कार है, स्थिर जल रूप रुद्र के लिए नमस्कार है, नदियों में व्याप्त रुद्र के लिए नमस्कार है और द्वीपों में व्याप्त रुद्र के लिए नमस्कार है, अति प्रशस्य ज्येष्ठ रूप रुद्र के लिए नमस्कार है, अत्यंत युवा अथवा कनिष्ठ रूप रुद्र के लिए नमस्कार है, जगत के आदि में हिरण्यगर्भ रूप से प्रादुर्भूत हुए रुद्र के लिए नमस्कार है, प्रलय के समय कालाग्नि सदृश रूप धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, सृष्टि और प्रलय के मध्य में देव नर तिर्यगादि रूप से उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, अव्युत्पनेन्द्रिय रुद्र के लिए नमस्कार है अथवा विनीत रुद्र के लिए नमस्कार है, गाय आदि के जंघन प्रदेश से उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है और वृक्षादिकों के मूल में निवास करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, गंधर्व नगर में होने वाले अथवा पुण्य और पापों से युक्त मनुष्य लोक में उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, प्रत्यभिचार में रहने वाले अथवा विवाह के समय हस्त सूत्र में उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, पापियों को नरक की वेदना देने वाले यम के अंतर्यामी रुद्र के लिए नमस्कार है, कुशल कर्म में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, वेद मंत्र अथवा यश द्वारा उत्पन्न हुए रुद्र के लिए नमस्कार है, वेदांत के तात्पर्य विषयी भूत रुद्र के लिए नमस्कार है, सर्व सस्य संपन्न पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले धान रूप रुद्र के लिए नमस्कार है, धान्य विवेचन देश अर्थात खलिहान में उत्पन्न हुए रुद्र के लिए नमस्कार है, वनों में वृक्ष लतादि रूप रुद्र अथवा वरुण स्वरूप रुद्रों के लिए नमस्कार है, शुष्क तृण अथवा गुल्मों में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, प्रतिध्वनि स्वरूप रुद्रों के लिए नमस्कार है, शीघ्रगामी सेना वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, शीघ्रगामी रथ वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, युद्ध में शूरता प्रदर्शित करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है तथा शत्रुओं को विदीर्ण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, शिरस्त्राण धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, कपास निर्मित देह रक्षक अर्थात अंग रखा धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, लोहे का बख्तर धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, गुंबद युक्त रथ वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, संसार में प्रसिद्ध रुद्र के लिए नमस्कार है, प्रसिद्ध सेना वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, दुंदुभी अर्थात भेरी में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है, भेरी आदि वाद्यों को बजाने में प्रयुक्त होने वाले दंड आदि में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है, प्रगल्भ स्वभाव वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, सत असत का विवेक पूर्वक विचार करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, खड़ग धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, तूरीण अर्थात तर्कश धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, तीक्ष्ण बाणों वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, नाना विध आयुधों को धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, उत्तम त्रिशूल रूप आयुध धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है और श्रेष्ठ पिनाक धनुष धारण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, क्षुद्र मार्ग में विद्यमान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, रथ गज अश्व आदि के योग्य विस्तृत मार्ग में विद्यमान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, दुर्गम मार्गों में स्थित रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, जहाँ झरनों का जल गिरता है उस भूप्रदेश में उत्पन्न हुए अथवा पर्वतों के अधोभाग में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है, नहर के मार्ग में स्थित अथवा शरीरों में अंतर्यामी रूप से विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है, सरोवर में उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, सरितादिकों में विद्यमान जल रूप रुद्र के लिए नमस्कार है, अल्प सरोवर में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, कूपों में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है, गर्त स्थानों में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, शरद ऋतु के बादलों अथवा चंद्र नक्षत्रादि मंडल में विद्यमान विशुद्ध स्वभाव वाले रुद्र के लिए नमस्कार है,
आतप अर्थात धूप में उत्पन्न होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, मेघों में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है, विद्युत में होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, वृष्टि में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है तथा अवर्षण में स्थित रुद्र के लिए नमस्कार है, वायु में रहने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है, प्रलय काल में विद्यमान रहने वाले रुद्रों के लिए नमस्कार है, गृह भूमि में विद्यमान रुद्रों के लिए नमस्कार है अथवा सर्व शरीरवासी रुद्र के लिए नमस्कार है, गृह भूमि के रक्षक रूप रुद्र के लिए नमस्कार है, चंद्रमा में स्थित अथवा ब्रह्म विद्या महाशक्ति उमा सहित विराजमान सदा शिव रुद्र के लिए नमस्कार है, सर्वविध अनिष्ट के विनाशक रुद्र के लिए नमस्कार है, उदित होने वाले सूर्य के रूप में ताम्रवर्ण के रुद्र के लिए नमस्कार है और उदय के पश्चात अरुण अर्थात कुछ कुछ रक्त वर्ण वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, भक्तों को सुख की प्राप्ति कराने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, जीवों के अधिपति स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है, संहार काल में प्रचंड स्वरूप वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, अपने भयानक रूप से शत्रुओं को भयभीत करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, सामने खड़े होकर वध करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, दूर स्थित रहकर संहार करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, हनन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, प्रलय काल में सर्वहंता रूप रुद्र के लिए नमस्कार है, हरित वर्ण के पत्र रूप केशों वाले कल्पतरु स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है और ज्ञानोपदेश द्वारा अधिकारी जनों को तारने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, सुख के उत्पत्ति स्थान रूप रुद्र के लिए नमस्कार है, भोग तथा मोक्ष का सुख प्रदान करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, लौकिक सुख देने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, वेदांत शास्त्रों में होने वाले ब्रह्मात्मक के साक्षात्कार स्वरूप रुद्र के लिए नमस्कार है, कल्याण रूप निष्पाप रुद्र के लिए नमस्कार है और अपने भक्तों को भी निष्पाप बनाकर कल्याण रूप कर देने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, संसार समुद्र के अपर तीर पर रहने वाले अथवा संसारातीत जीवन मुक्त विष्णु रूप रुद्र के लिए नमस्कार है, संसार व्यापी रुद्र के लिए नमस्कार है, दुख पापादि से प्रकृष्ट रूप से तारने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, उत्कृष्ट ब्रह्म साक्षात्कार कराकर संसार से तारने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, तीर्थ स्थलों में प्रतिष्ठित रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, गंगा आदि नदियों के तट पर विद्यमान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, गंगा आदि नदियों के तट पर उत्पन्न होने वाले कुशांग कुरादि बाल तृण रूप रुद्र के लिए नमस्कार है और जल के विकार स्वरूप फेन में विद्यमान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, नदियों की बालुकाओं में होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, नदी आदि के प्रवाह में होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, क्षुद्र पाषाणों वाले प्रदेश के रूप में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है, स्थिर जल से परिपूर्ण प्रदेश रूप रुद्र के लिए नमस्कार है, जटा मुकुटधारी रुद्र के लिए नमस्कार है, शुभाशुभ देखने की इच्छा से सदा सामने खड़े रहने वाले अथवा सर्वांतर्यामी रूप रुद्र के लिए नमस्कार है, उसर भूमि रूप रुद्र के लिए नमस्कार है और अनेक जनों से संसेवित मार्ग में होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, गो समूह में विद्यमान अथवा व्रज में गोपेश्वरों के रूप में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, गोशालाओं में रहने वाले गोष्ठ रूप रुद्र के लिए नमस्कार है, शैया में विद्यमान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, गृह में विद्यमान रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, हृदय में रहने वाले जीव रूपी रुद्र के लिए नमस्कार है, जल के भवन में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, दुर्ग अरण्य आदि स्थानों में रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, विषमगिरि गुहा आदि अथवा गंभीर जल में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है, काष्ठ आदि शुष्क पदार्थों में भी सत्ता रूप से विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है, आर्द्र काष्ठ आदि में सत्ता रूप से विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है, धूलि आदि में विराजमान पांचवें रूप रुद्र के लिए नमस्कार है, रजोगुण अथवा पराग में विद्यमान रजस्य रूप रुद्र के लिए नमस्कार है, संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार की शांति होने पर भी अथवा प्रलय में भी साक्षी बनकर रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, बलवजादि तृण विशेषों में होने वाले
उल्पय रूपी रुद्र के लिए नमस्कार है, बड़वानल में विराजमान रुद्र के लिए नमस्कार है और प्रलयाग्नि में विद्यमान रुद्र के लिए नमस्कार है, वृक्षों के पत्र रूप रुद्र के लिए नमस्कार है और वृक्ष पर्णों के स्वतः क्षीण होने के काल वसंत ऋतु रूप रुद्र के लिए नमस्कार है, पुरुषार्थ परायण रहने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, सब ओर से शत्रुओं का हनन करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, सब ओर से अभक्तों को दीन दुखी बना देने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, अपने भक्तों के दुखों से दुखी होने के कारण दया से आर्द्र हृदय होने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, बाणों का निर्माण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, धनुषों का निर्माण करने वाले रुद्र के लिए नमस्कार है, वृष्टि आदि के द्वारा जगत का पालन करने वाले देवताओं के हृदय भूत अग्नि वायु आदित्य रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है, धर्मात्मा तथा पापियों का भेद करने वाले अग्नि आदि रुद्रों के लिए नमस्कार है, भक्तों के पाप रोग अमंगल को दूर करने वाले तथा पाप पुण्य के साक्षी स्वरूप अग्नि आदि रुद्रों के लिए नमस्कार है और सृष्टि के आदि में मुख्यतया इन लोकों से निर्गत हुए अग्नि वायु सूर्य रूप रुद्रों के लिए नमस्कार है। हे द्रापे अर्थात दुराचारियों को कुत्सित गति प्राप्त कराने वाले, हे अंधस्पते अर्थात सोमपालक, हे दरिद्र निष्परिग्रह, हे नील लोहित, हमारी पुत्रादि प्रजाओं तथा गो आदि पशुओं को भयभीत मत कीजिए, उन्हें नष्ट मत कीजिए और उन्हें किसी भी प्रकार के रोग से ग्रसित मत कीजिए। जिस प्रकार से मेरे पुत्रादि तथा गौ आदि पशुओं को कल्याण की प्राप्ति हो तथा इस ग्राम में संपूर्ण प्राणी पुष्ट तथा उपद्रव रहित हो, इसके निमित्त हम अपनी इन बुद्धियों को महाबली जटाजूटधारी तथा शूरवीरों के निवास भूत रुद्र के लिए समर्पित करते हैं। हे रुद्र, आपका जो शांत निरंतर कल्याणकारक संसार की व्याधि निवृत्त करने वाला तथा शारीरिक व्याधि दूर करने का परम औषधि रूप शरीर है, उससे हमारे जीवन को सुखी कीजिए। रुद्र के आयुध हमारा परित्याग करें और क्रुद्ध हुए द्वेषी पुरुषों की दुर्बुद्धि हम लोगों को वर्जित कर दे, अर्थात उनसे हम लोगों को किसी प्रकार की पीड़ा न होने पावे। अभिलषित वस्तुओं की वृष्टि करने वाले हे रुद्र, आप अपने धनुष को प्रतिंचा रहित करके यजमान पुरुषों के भय को दूर कीजिए और उनके पुत्र पौत्रों को सुखी बनाइए। अभीष्ट फल और कल्याणों की अत्यधिक वृष्टि करने वाले हे रुद्र, आप हम पर प्रसन्न रहें, अपने त्रिशूल आदि आयुधों को कहीं दूर स्थित वृक्षों पर रख दीजिए, गज चर्म का परिधान धारण करके तप कीजिए और केवल शोभा के लिए धनुष धारण करके आइए। विविध प्रकार के उपद्रवों का विनाश करने वाले तथा शुद्ध स्वरूप वाले हे रुद्र, आपको हमारा प्रणाम है। आपके जो असंख्य आयुध हैं वे हमसे अतिरिक्त दूसरों पर जाकर गिरें। गुण तथा ऐश्वर्यों से संपन्न हे जगतपति रुद्र, आपके हाथों में हजारों प्रकार के जो असंख्य आयुध हैं उनके अग्र भागों अर्थात मुखों को हमसे विपरीत दिशाओं की ओर कर दीजिए, अर्थात हम पर आयुधों का प्रयोग मत कीजिए। पृथ्वी पर जो असंख्य रुद्र निवास करते हैं उनके असंख्य धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोसों के पार जो मार्ग है उस पर ले जाकर डाल देते हैं। मेघमंडल से भरे हुए इस महान अंतरिक्ष में जो रुद्र रहते हैं उनके असंख्य धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोसों के पार स्थित मार्ग पर ले जाकर डाल देते हैं। जिनके कंठ का कुछ भाग नीलवर्ण का है और कुछ भाग श्वेत वर्ण का है तथा जो द्यूलोक में निवास करते हैं उन रुद्रों के असंख्य धनुषों को प्रत्यंचारहित करके हम लोग हजारों कोस दूर स्थित मार्ग पर ले जाकर डाल देते हैं। कुछ भाग में नील वर्ण और कुछ भाग में शुक्ल वर्ण के कंठ वाले तथा भूमि के अधो भाग में स्थित पाताल लोक में निवास करने वाले रुद्रों के असंख्य धनुषों को प्रत्यंचारहित करके हम लोग हजारों कोस दूर स्थित मार्ग पर ले जाकर डाल देते हैं। बाल तृण के समान हरित वर्ण के तथा कुछ भाग में नील वर्ण एवं कुछ भाग में शुक्ल वर्ण के कंठ वाले जो रुधिर रहित रुद्र अर्थात तेजोमय शरीर में रहने से उन शरीरों में रक्त और मांस नहीं रहता है, वे अश्वस्थ आदि के वृक्षों पर रहते हैं, उन रुद्रों के धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग
हजारों कोसों के पार स्थित मार्ग पर डाल देते हैं, जिनके सिर पर केश नहीं है, जिन्होंने जटाजूट धारण कर रखा है और जो पिशाचों के अधिपति हैं, उन रुद्रों के धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोसों के पार स्थित मार्ग पर ले जाकर डाल देते हैं। अन्न देकर प्राणियों का पोषण करने वाले, आजीवन युद्ध करने वाले, लौकिक वैदिक मार्ग का रक्षण करने वाले तथा अधिपति कहलाने वाले जो रुद्र हैं, उनके धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोसों के पार स्थित मार्ग पर ले जाकर डाल देते हैं। वज्र और खड़ग आदि आयुधों को हाथ में धारण कर जो रुद्र तीर्थों पर जाते हैं, उनके धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोसों के पार स्थित मार्ग पर ले जाकर डाल देते हैं। खाए जाने वाले अन्नों में स्थित जो रुद्र अन्न भोक्ता प्राणियों को पीड़ित करते हैं, अर्थात धातु वैषम्य के द्वारा उनमें रोग उत्पन्न करते हैं, और पात्रों में स्थित दुग्ध आदि में विराजमान जो रुद्र उनका पान करने वाले लोगों को व्याधि आदि के द्वारा कष्ट देते हैं, उनके धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोस दूर स्थित मार्ग पर ले जाकर डाल देते हैं। दसों दिशाओं में व्याप्त रहने वाले जो अनेक रुद्र हैं, उनके धनुषों को प्रत्यंचा रहित करके हम लोग हजारों कोस दूर स्थित मार्ग पर ले जाकर डाल देते हैं। जो रुद्र द्यूलोक में विद्यमान है तथा जिन रुद्रों के बाण वृष्टि रूप हैं, उन रुद्रों के लिए नमस्कार है। उन रुद्रों के लिए पूर्व दिशा की ओर दसों अंगुलियां करता हूँ, दक्षिण दिशा की ओर दसों अंगुलियां करता हूँ, पश्चिम की ओर दसों अंगुलियां करता हूँ, उत्तर की ओर दसों अंगुलियां करता हूँ और ऊपर की ओर दसों अंगुलियां करता हूँ, अर्थात हाथ जोड़कर सभी दिशाओं में उन रुद्रों के लिए प्रणाम करता हूँ। वे रुद्र हमारी रक्षा करें और वे हमें सुखी बनाएं। वे रुद्र जिस मनुष्य से द्वेष करते हैं, हम लोग जिससे द्वेष करते हैं और जो हमसे द्वेष करता है, उस पुरुष को हम लोग उन रुद्रों के भयंकर दांतों वाले मुख में डालते हैं, अर्थात वे रुद्र हमसे द्वेष करने वाले मनुष्य का भक्षण कर जाएं। जो रुद्र अंतरिक्ष में विद्यमान है तथा जिन रुद्रों के बाण पवन रूप हैं, उन रुद्रों के लिए नमस्कार है। उन रुद्रों के लिए पूर्व दिशा की ओर दसों अंगुलियां करता हूँ, दक्षिण की ओर दसों अंगुलियां करता हूँ, पश्चिम की ओर दसों अंगुलियां करता हूँ, उत्तर की ओर दसों अंगुलियां करता हूँ और ऊपर की ओर दसों अंगुलियां करता हूँ, अर्थात हाथ जोड़कर सब दिशाओं में उन रुद्रों के लिए प्रणाम करता हूँ। वे रुद्र हमारी रक्षा करें और वे हमें सुखी बनाएं। वे रुद्र जिस मनुष्य से द्वेष करते हैं, हम लोग जिससे द्वेष करते हैं और जो हमसे द्वेष करता है, उस पुरुष को हम लोग उन रुद्रों के भयंकर दांतों वाले मुख में डालते हैं, अर्थात वे रुद्र हमसे द्वेष करने वाले मनुष्य का भक्षण कर जाएं। जो रुद्र पृथ्वीलोक में स्थित हैं तथा जिनके बाण अन्न रूप हैं, उन रुद्रों के लिए नमस्कार है। उन रुद्रों के लिए पूर्व दिशा की ओर दसों अंगुलियां करता हूँ, दक्षिण की ओर दसों अंगुलियां करता हूँ, पश्चिम की ओर दसों अंगुलियां करता हूँ, उत्तर की ओर दसों अंगुलियां करता हूँ और ऊपर की ओर दसों अंगुलियां करता हूँ, अर्थात हाथ जोड़कर सभी दिशाओं में उन रुद्रों के लिए प्रणाम करता हूँ। वे रुद्र हमारी रक्षा करें और वे हमें सुखी बनावें। वे रुद्र जिस मनुष्य से द्वेष करते हैं, हम लोग जिससे द्वेष करते हैं और जो हमसे द्वेष करता है, उस पुरुष को हम लोग उन रुद्रों के भयंकर दांतों वाले मुख में डालते हैं, अर्थात वे रुद्र हमसे द्वेष करने वाले मनुष्य का भक्षण कर जाएं। इस प्रकार रुद्र पाठ का पांचवा अध्याय पूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए पार्वती पति भूत भावन भोलेनाथ की जय। श्री शिव रुद्राभिषेक षष्ठो अध्याय। भगवान रुद्र की स्तुति तथा यश के लिए उनसे प्रार्थना। ओम। हे सोमदेव, पुत्र पौत्रादि से संपन्न हम यजमान यज्ञ और व्रतों में आपके स्वरूप में चित्त लगाकर सेवनीय वस्तुओं का सेवन करें। हे रुद्र, हमारे द्वारा दिया हुआ यह पुरोडाश आपका भाग है, आप अपनी भगिनी अंबिका के साथ इसका सेवन कीजिए। यह प्रदत्त हवि सुहूत रहे। हमारे द्वारा अवकीर्ण किया गया यह पुरोडाश आपका भाग है, आपके द्वारा इसका सेवन किया जाए। हमने इस मूषक संज्ञक पशु को आपके लिए अर्पित किया है,
चित्त में रुद्र और त्र्यंबक का ध्यान करके अथवा अन्य देवताओं से पृथक करके हम रुद्र को अन्न खिलाते हैं। वे रुद्र हमें निवसनशील और ज्ञाति में श्रेष्ठ कर दें तथा वे हमें समस्त कार्यों में शीघ्र निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करें, इसके लिए हम उनका जप करते हैं। हे रुद्र, आप औषधि के तुल्य समस्त उपद्रवों के निवारक हैं, अतः हमारे गाय अश्व और भृत्य आदि को सर्व व्याधि निवारक औषधि दीजिए और हमारे मेष तथा मेषी को सुख प्रदान कीजिए। दिव्य गंध से युक्त मृत्यु रहित धन धान्य वर्धक त्रिनेत्र रुद्र की हम पूजा करते हैं। वे रुद्र हमें अपमृत्यु और संसार रूप मृत्यु से मुक्त करें। जिस प्रकार ककड़ी अर्थात फूट का फल अत्यधिक पक जाने पर अपने वृंत अर्थात डंठल से मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार हम भी मृत्यु से छूट जाएं। किंतु अभ्युदय और निःश्रेयश रूप अमृत से हमारा संबंध न छूटने पाए। कुमारियां भगवान शिव से प्रार्थना करती हैं कि हे रुद्र, आप पति की प्राप्ति कराने वाले हैं, सुगंध विशिष्ट त्रिनेत्र शिव की हम पूजा करती हैं। ककड़ी अर्थात फूट का फल परिपक्व होने पर जैसे अपने डंठल से छूट जाता है, उसी प्रकार हम कुमारियां माता पिता भाई आदि बंधुजनों तथा उस कुल से छूट जाएं, किंतु त्र्यंबक के प्रसाद से हम अपने पति से न छूटें, अर्थात पिता का गोत्र तथा घर छोड़कर पति के गोत्र तथा घर में सर्वदा रहें। हे रुद्र, आपका यह अवस अर्थात प्रवास में किसी सरोवर के समीप विश्राम करने पर भक्षण योग्य ओदन विशेष संज्ञक हविशेष भोज्य है। उसके सहित आप अपने धनुष की प्रत्यंचा को हटाकर मुजवान पर्वत अर्थात जिस पर्वत पर आप निवास करते हैं उसके पार जाइए। प्रवास करते समय आप अपने पिनाक नामक धनुष को सब ओर से आच्छादित कर लें, जिससे कोई भी प्राणी आपके धनुष को देखकर भयभीत न हो। हे रुद्र, आप चर्मांबर धारण करके हिंसा न करते हुए हमारी पूजा से संतुष्ट होकर मुजवान पर्वत को लांघ जाइए। जमदग्नि ऋषि की बाल्य यौवन तथा वृद्धावस्था के जो उत्तम चरित्र हैं, कश्यप प्रजापति की तीनों अवस्थाओं के जो उत्तम चरित्र हैं तथा देवगणों में भी उन तीनों अवस्थाओं के जो प्रशंसनीय चरित्र विद्यमान हैं, तीनों अवस्थाओं से संबंधित वैसा ही चरित्र हम यजमानों का भी हो। हे क्षुर, आपका नाम शांत है, वज्र आपके पिता हैं, मैं आपके लिए नमस्कार करता हूँ, आप मेरी हिंसा मत कीजिए। हे यजमान, बहुत दिनों तक जीवित रहने के लिए, अन्न भक्षण करने के लिए, संतति के लिए, द्रव्य वृद्धि के लिए, योग्य संतान उत्पन्न होने के लिए तथा उत्तम सामर्थ्य की प्राप्ति के लिए मैं आपका मुंडन करता हूँ। इस प्रकार रुद्र पाठ का छठवां अध्याय पूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए पार्वती पति भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय। श्री शिव रुद्र अभिषेक सप्तमो अध्याय। समस्त देवताओं को श्रेष्ठ आहुति का समर्पण। ओम। पहला उग्र अर्थात उत्कट क्रोध स्वभाव वाली, दूसरा भीम अर्थात भयानक, तीसरा ध्वांत अर्थात तीव्र ध्वनि करने वाले, चौथा धुनि अर्थात शत्रुओं को कंपित करने वाले, पांचवा सासवान अर्थात शत्रुओं को तिरस्कृत करने में समर्थ, छठवां अभियुग्वा अर्थात हमारे सम्मुख योग प्राप्त करने वाले, और सातवां विक्षिप अर्थात वृक्ष शाखादि का क्षेपण करने वाले। इन नाम वाले जो सात मरुत हैं, उन्हें मैं यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित करता हूँ। मैं अग्नि को हृदय के द्वारा, अश्निदेव को हृदयाग्र से, पशुपति को सारे हृदय से, भव को यकृत से, शर्व को मत्सना नामक हृदय स्थल से, ईशान देवता को क्रोध से, महादेव को पसलियों के अंतर्भाग से, उग्रदेव को बड़ी आँच से और शिंगी नामक देवताओं को हृदय कोश स्थित पिंडों से प्रसन्न करता हूँ। उग्र देवता को रुधिर से, मित्र देवता को शुभ कर्मों के अनुष्ठान से, रुद्र देवता को अशोभन कर्मों से, इंद्र देवताओं को प्रकृष्ट क्रीड़ाओं से, मरुत देवताओं को बल से, साध्य देवताओं को हर्ष से, भव देवताओं को कंठ भाग से, रुद्र देवताओं को पसलियों के अंतर्भाग से, महादेव को यकृत से, शर्व देवता को बड़ी आँच से और पशुपति देवता को पुरितत अर्थात हृदयाच्छादक भाग विशेष से संतुष्ट करता हूँ। समिष्ट लोमों के लिए यह श्रेष्ठ आहुति देता हूँ। वयिष्ठ लोमों के लिए यह श्रेष्ठ आहुति देता हूँ। समिष्ट त्वचा के लिए, वयिष्ठ त्वचा के लिए, समिष्ट रुधिर के लिए,
वयिष्ठ रुधिर के लिए, समिष्ट मेदा के लिए, वयिष्ठ मेदा के लिए, समिष्ट मांस के लिए, वयिष्ठ मांस के लिए, समिष्ट नसों के लिए, वयिष्ठ नसों के लिए, समिष्ट अस्थियों के लिए, वयिष्ठ अस्थियों के लिए, समिष्ट मज्जा के लिए, वयिष्ठ मज्जा के लिए, वीर के लिए और पायु इंद्रिय के लिए मैं यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित करता हूँ। आयास देवता के लिए, प्रायास देवता के लिए, सम्यास देवता के लिए, व्यास देवता के लिए और उद्यास देवता के लिए, शुचि के लिए, शोचत के लिए, शोचमान के लिए और शोक के लिए मैं यह श्रेष्ठ आहुति प्रदान करता हूँ। तप के लिए, तपकर्ता के लिए, तपमान्य के लिए, तप्त के लिए, घर्म के लिए, निष्कृति के लिए, प्रायश्चिति के लिए और औषध के लिए मैं यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित करता हूँ। यम के लिए, अंतक के लिए, मृत्यु के लिए, ब्रह्मा के लिए, ब्रह्म हत्या के लिए, विश्व देवों के लिए, द्यूलोक के लिए तथा पृथ्वीलोक के लिए मैं यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित करता हूँ। इस प्रकार रुद्र पाठ का 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए पार्वतीपति भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय। श्री शिव रुद्राभिषेक 8वां अध्याय। श्री शिव रुद्राभिषेक से प्राप्त होने वाले फलों का वर्णन। ओम। अन्न, अन्न दान की अनुज्ञा, शुद्धि, अन्न भक्षण की उत्कंठा, ध्यान, श्रेष्ठ संकल्प, सुंदर शब्द, स्तुति सामर्थ्य, वेद मंत्र अथवा श्रवण शक्ति, ब्राह्मण, प्रकाश और स्वर्ग, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। प्राणवायु, अपान वायु, सारे शरीर में विचरण करने वाला व्यान वायु, मनुष्यों को प्रवृत्त करने वाला वायु, मानस संकल्प, ब्रह्म विषय संबंधी ज्ञान, वाणी, शुद्ध मन, पवित्र दृष्टि, सुनने का सामर्थ्य, ज्ञानेन्द्रियों का कौशल तथा कर्मेंद्रियों में बल, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। बल का कारण भूत ओज, देह बल, आत्मज्ञान, सुंदर शरीर, सुख, कवच, हृष्ट पृष्ट अंग, सुदृढ़ हड्डियां, सुदृढ़ अंगुलियां, निरोग शरीर, जीवन और वृद्धावस्था पर्यंत आयु, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। प्रशस्तता, प्रभुता, दोषों पर कोप, अपराध पर कोप, अपरिमेयता, शीतल मधुर जल, जीतने की शक्ति, प्रतिष्ठा, संतान की वृद्धि, गृह क्षेत्र आदि का विस्तार, दीर्घ जीवन, अविचच्छिन्न वंश परंपरा, धन धान्य की वृद्धि और विद्या आदि गुणों का उत्कर्ष, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। यथार्थ भाषण, परलोक पर विश्वास, गो आदि पशु, सुवर्ण आदि धन, स्थावर पदार्थ, कीर्ति, क्रीड़ा, क्रीड़ा दर्शन जनित आनंद, पुत्र से उत्पन्न संतान, होने वाली संतान, शुभदायक ऋचाओं का समूह और ऋचाओं के पाठ से शुभ फल, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। यज्ञ आदि कर्म और उनका स्वर्ग आदि फल, धातु क्षय आदि रोगों का अभाव तथा सामान्य व्याधियों का न रहना, आयु बढ़ाने वाले साधन, दीर्घायु, शत्रुओं का अभाव, निर्भयता, सुख, सुसज्जित शैया, संध्या वंदन से युक्त प्रभात और यज्ञ, दान, अध्ययन आदि से युक्त दिन, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। अश्व आदि का नियंत्रित्व और प्रजापालन की क्षमता, वर्तमान धन की रक्षण शक्ति, आपत्ति में चित्त की स्थिरता, सबकी अनुकूलता, पूजा सत्कार, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान, विज्ञान सामर्थ्य, पुत्र आदि को प्रेरित करने की क्षमता, पुत्रोत्पत्ति आदि के लिए सामर्थ्य, हल आदि के द्वारा कृषि से अन्न उत्पादन और कृषि में अनावृष्टि आदि विघ्नों का विनाश, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। इस लोक का सुख, परलोक का सुख, प्रीति उत्पादक वस्तु, सहज यत्न साध्य पदार्थ, विषय भोग जनित सुख, मन को स्वस्थ करने वाले बंधु बांधव, सौभाग्य, धन, इस लोक और परलोक का कल्याण, धन से भरा निवास योग्य गृह तथा यश, ये सब
मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। अन्न, सत्य और प्रिय वाणी, दूध, दूध का सार, घी, शहद, बांधवों के साथ खान पान, धान्य की सिद्धि, अन्न उत्पन्न होने के अनुकूल वर्षा, विजय की शक्ति तथा आम आदि वृक्षों की उत्पत्ति, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। सुवर्ण, मौक्तिक आदि मणियां, धन की प्रचुरता, शरीर की पुष्टि, व्यापकता की शक्ति, ऐश्वर्य, धन, पुत्र आदि की बहुलता, हाथी घोड़ा आदि की अधिकता, कुत्सित धान्य, अक्षय अन्न, भात आदि सिद्धान्न तथा भोजन पचाने की शक्ति, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। पूर्व प्राप्त धन, प्राप्त होने वाला धन, पूर्व प्राप्त क्षेत्र आदि, भविष्य में प्राप्त होने वाला क्षेत्र आदि, सुगम्य देश, परम पथ्य पदार्थ, समृद्ध यज्ञ फल, यज्ञ आदि की समृद्धि, कार्य साधक अपरिमित धन, कार्य साधन की शक्ति, पदार्थ मात्र का निश्चय तथा दुर्घट कार्यों का निर्णय करने की बुद्धि, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। उत्कृष्ट कोटि का धान, यव, उड़द, तिल, मूंग, चना, प्रियंगु, चीनक धान्य, सावा, नीवार, गेहूं और मसूर, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। सुंदर पाषाण और श्रेष्ठ मृतिका, गोवर्धन आदि छोटे पर्वत, हिमालय आदि विशाल पर्वत, रेतीली भूमि, वनस्पतियां, सुवर्ण, लोहा, तांबा, कांसा, सीसा तथा रांगा, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। पृथ्वी पर अग्नि तथा अंतरिक्ष में जल की अनुकूलता, छोटे छोटे तृण, पकते ही सूखने वाली औषधियां, जोतने बोने से उत्पन्न होने वाले तथा बिना जोते बोए स्वयं उत्पन्न होने वाले अन्न, गाय भैंस आदि ग्राम्य पशु तथा हाथी सिंह आदि जंगली पशु, पूर्वोपलब्ध तथा भविष्य में प्राप्त होने वाला धन, पुत्र आदि तथा ऐश्वर्य, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। गो आदि धन, रहने के लिए सुंदर घर, अग्निहोत्र आदि कर्म तथा उनके अनुष्ठान की सामर्थ, इच्छित पदार्थ, प्राप्ति योग्य पदार्थ, इष्ट प्राप्ति का उपाय एवं इष्ट प्राप्ति, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। अग्नि और इंद्र, सोम तथा इंद्र, सविता और इंद्र, सरस्वती तथा इंद्र, पूषा तथा इंद्र, बृहस्पति और इंद्र, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। मित्र देव एवं इंद्र, वरुण तथा इंद्र, धाता और इंद्र, त्वष्टा तथा इंद्र, मरुदगण और इंद्र, विश्वे देवे और इंद्र, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। पृथ्वी और इंद्र, अंतरिक्ष एवं इंद्र, स्वर्ग तथा इंद्र, वर्ष की अधिष्ठात्री देवता तथा इंद्र, नक्षत्र और इंद्र, दिशाएं एवं इंद्र, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। अंशु, रश्मि, अदाभ्य, निग्राह्य, उपांशु, अंतर्याम, इंद्रवायव, मैत्रा वरुण, अश्विनी, प्रतिप्रस्थान, शुक्र और मंथी, ये सभी ग्रह मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। आग्रगण्य, वैश्वेदेव, ध्रुव, वैश्वानर, इंद्राग्न, महावैश्वदेव, मरुतत्वीय, निष्केवल्य, सावित्र, सारस्वत, पात्नीवत एवं हारियोजन, ये यज्ञ ग्रह मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। स्त्रुक, चमस, वायव्य, द्रोण कलश, ग्रावा, काष्ठफलक, पूतभृत, आधवनीय, वेदी, कुशा, अवभृत और शमयुवाक, ये सब यज्ञ पात्र मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। अग्निष्टोम, प्रवर्ग्य, पुरोडाश, सूर्य संबंधी चरु, प्राण, अश्वमेध यज्ञ, पृथ्वी, अदिति, दिति, द्युलोक, विराट पुरुष के अवयव, सब प्रकार की शक्तियां और पूर्व आदि दिशाएं, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों।
व्रत, वसंत आदि ऋतुएं, कृच्छ्र चंद्रायण आदि तप, प्रभव आदि संवत्सर, दिन रात, जंघा तथा जानु, ये शरीरावयव और बृहद तथा स्थनंतर साम, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। एक और तीन, तीन तथा पांच, पांच और सात, सात तथा नौ, नौ और ग्यारह, ग्यारह और तेरह, तेरह और पंद्रह, पंद्रह तथा सत्रह, सत्रह तथा उन्नीस, उन्नीस और इक्कीस, इक्कीस तथा तेईस, तेईस तथा पच्चीस, पच्चीस तथा सत्ताईस, सत्ताईस तथा उनतीस, उनतीस और इकतीस, इकतीस तथा तैंतीस, इन सब संख्याओं से कहे जाने वाले सकल श्रेष्ठ पदार्थ मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। चार तथा आठ, आठ और बारह, बारह तथा सोलह, सोलह और बीस, बीस तथा चौबीस, चौबीस तथा अट्ठाईस, अट्ठाईस और बत्तीस, बत्तीस तथा छत्तीस, छत्तीस और चालीस, चालीस और चौवालीस, चौवालीस तथा अड़तालीस, इन सब संख्याओं से कहे जाने वाले सकल श्रेष्ठ पदार्थ मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। डेढ़ वर्ष का बछड़ा, डेढ़ वर्ष की बछिया, दो वर्ष का बछड़ा, दो वर्ष की ही बछिया, ढाई वर्ष का बैल, ढाई वर्ष की गाय, तीन वर्ष का बैल तथा तीन वर्ष की गाय, साढ़े तीन वर्ष का बैल और साढ़े तीन वर्ष की गाय, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। चार वर्ष का बैल, चार वर्ष की गाय, सेचन में समर्थ वृषभ, वंध्या गाय, तरुण वृषभ, गर्भघातिनी गाय, भार वहन करने में समर्थ बैल तथा नव प्रसूता गाय, ये सब मेरे द्वारा किए गए इस यज्ञ के फल के रूप में मुझे प्राप्त हों। प्रचुर अन्न की उत्पत्ति करने वाला अन्न रूप चैत्र मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। वैशाख मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। जल क्रीड़ा में सुखदायक ज्येष्ठ मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। याग रूप आषाढ़ मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। चातुर्मास में यात्रा का निषेध करने वाले श्रावण मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। दिन के स्वामी सूर्य रूप भाद्रपद मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। तुषार आदि मोहकारक दिवस वाले अश्विन अर्थात कवार मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। स्नान आदि से प्राणियों का पाप नाश करने के कारण मोह निवर्तक तथा दिन मान के थोड़ा घटने से विनाशशील कार्तिक मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। संपूर्ण सृष्टि के विनाश के बाद भी विद्यमान रहने वाले अविनाशी विष्णु रूप मार्गशीर्ष अर्थात अगहन मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। अंत में स्थित रहने वाले तथा प्राणियों के पोषक पौष मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। संपूर्ण लोकों के पालक रूप माघ मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है और सभी प्राणियों के लिए सर्वाधिक पालक फाल्गुन मास के लिए यह श्रेष्ठ आहुति समर्पित है। बारहों मासों के अधिष्ठात्र देव प्रजापति के लिए यह श्रेष्ठ आहुति दी जाती है। हे प्रजापति स्वरूप अग्निदेव, यह यज्ञ स्थान आपका राज्य है। अग्निष्टोम आदि कर्मों में सबके नियंता आप मित्र रूप इस यजमान के प्रेरक हैं। अधिक अन्न आदि की प्राप्ति के लिए मैं आपका अभिषेक करता हूँ, वर्षा के लिए मैं आपका अभिषेक करता हूँ और प्रजाओं पर प्रभुता प्राप्ति के लिए मैं आपका अभिषेक करता हूँ। यज्ञ के फल से मेरी आयु में वृद्धि हो, यज्ञ के फल स्वरूप मेरे प्राण बलिष्ठ हों, यज्ञ के फल स्वरूप नेत्रों की ज्योति बढ़े, यज्ञ के फल से श्रवण शक्ति उत्कृष्टता को प्राप्त हो, यज्ञ के फल से वाणी में श्रेष्ठता रहे, यज्ञ के फल स्वरूप मन सदा स्वच्छ रहे, यज्ञ के फल स्वरूप आत्मा बलवान हो, यज्ञ के फल स्वरूप सभी वेद मेरे ऊपर प्रसन्न रहें, यज्ञ के फल स्वरूप मुझे परमात्मा की दिव्य ज्योति प्राप्त हो, यज्ञ के फल स्वरूप स्वर्ग की प्राप्ति हो, यज्ञ के फल स्वरूप संसार का सर्वश्रेष्ठ सुख मुझे प्राप्त हो, यज्ञ के फल स्वरूप महायज्ञ करने की सामर्थ्य प्राप्त हो। त्रिवृत पंचदश आदि स्तोम, यजुर्मंत्र, ऋचाएं, साम की गीतियां, बृहत साम और रथंतर साम, ये सब यज्ञ के फल से मेरे ऊपर अनुग्रह करें। मैं यज्ञ के फल से देवत्व को प्राप्त कर
स्वर्ग जाऊं तथा अमर हो जाऊं। यज्ञ के प्रसाद से हम हिरण्यगर्भ प्रजापति की प्रियतम प्रजा हो जाएं। समस्त देवताओं के निमित्त यह वसुरधारा हवन संपन्न हुआ। ये सभी आहुतियां उन्हें भली भांति समर्पित हैं। इस प्रकार रुद्रपाठ का 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए पार्वती पति भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय। श्री शिव रुद्राभिषेक शांत अध्याय। ओम। मैं ऋचा रूप वाणी की शरण लेता हूँ। मैं यजुह रूप मन की शरण लेता हूँ। मैं प्राण रूप साम की शरण लेता हूँ। और मैं चक्षु इंद्रिय तथा श्रोत्र इंद्रिय की शरण लेता हूँ। वाक शक्ति शारीरिक बल और प्राण तथा अपान वायु ये सब मुझ में स्थिर हों। मेरे नेत्र तथा हृदय की जो न्यूनता है और मन की जो व्याकुलता है उसे देव गुरु बृहस्पति दूर करें, अर्थात यज्ञ करते समय मेरे नेत्र हृदय तथा मन से जो त्रुटि हो गई है उसे वे क्षमा करें। संपूर्ण भुवन के जो अधिपति रूप भगवान यज्ञ पुरुष हैं वे हमारे लिए कल्याणकारी हों। उन प्रकाशात्मक जगत सृष्टा सविता देव की भूरलोक भूअरलोक तथा स्वरलोक में व्याप्त रहने वाले परम ब्रह्मात्मक सर्वोत्तम तेज का हम ध्यान करते हैं, जो हमारी बुद्धियों को सत्कर्मों के अनुष्ठान हेतु प्रेरित करें। सदा सबको समृद्ध करने वाला आश्चर्य रूप परमेश्वर किस तर्पण तथा प्रीति से तथा किस वर्तमान याग क्रिया से हमारा सहायक होता है, अर्थात हम कौन सी उत्तम क्रिया करें और कौन सा शोभन कर्म करें जिससे परमात्मा हमारे सहायक हों और अपनी पालन शक्ति द्वारा हमारी वृद्धिकारी सखा हों। हे परमेश्वर, मदजनक हवियों में श्रेष्ठ सोम रूप अन्न का कौन सा अंश आपको सर्वाधिक तृप्त करता है? आपकी इस प्रसन्नता में दृढ़ता से रहने वाले हम भक्तजन अपने धन आदि के साथ उसे आपको समर्पित करते हैं। हे परमेश्वर, आप मित्रों के तथा स्तुति करने वाले हम ऋतुजों के पालक हैं और हम भक्तों की रक्षा के लिए भली भांति अभिमुख होकर आप अनंत रूप धारण करते हैं। हे इंद्र, आप किस तृप्ति अथवा हवि दान से हमें प्रसन्न करते हैं और किस दिव्य रूप को धारण कर स्तुति करने वाले हम उपासकों की सारी अभिलाषाओं को पूर्ण करते हैं। सबके स्वामी परमेश्वर चारों तरफ प्रकाशमान हैं। वे हमारे पुत्र आदि के लिए कल्याण रूप हों। वे हमारे गौ आदि पशुओं के लिए सुखदायक हों। मित्र देवता हमारे लिए कल्याणमय हों। वरुण देवता हमारे लिए कल्याणकारी हों। अर्यमा हमारे लिए कल्याणप्रद हों। इंद्र देवता हमारे लिए कल्याणमय हों। बृहस्पति हमारे लिए कल्याणकारी हों तथा विस्तीर्ण पाद न्यास वाले विष्णु भगवान हमारे लिए कल्याणमय हों। वायुदेव हमारे लिए सुखकारी होकर बहें। सूर्य देव हमारे निमित्त सुख रूप होकर तपें और पर्जन्य देवता शब्द करते हुए हमारे निमित्त सुखदायक वर्षा करें। दिन हमारे लिए सुखकारी हो, रात्रियां हमारे लिए सुख रूप हों। इंद्र और अग्नि देवता हमारी रक्षा करते हुए सुख रूप हों। हवि से तृप्त इंद्र और वरुण देवता हमारे लिए कल्याणकारी हों। अन्न की उत्पत्ति करने वाले इंद्र और पूषा देवता हमारे लिए सुखकारी हों एवं इंद्र और सोम देवता श्रेष्ठ गमन अथवा श्रेष्ठ उत्पत्ति के निमित्त और रोगों का नाश करने के लिए तथा भय को दूर करने के लिए हमारे लिए कल्याणकारी हों। दीप्तिमान जल हमारे अभीष्ट स्नान के लिए सुखकर हों, पीने के लिए स्वादिष्ट तथा स्वास्थ्यकर हों। यह जल हमारे रोग तथा भय को दूर करने के लिए निरंतर प्रवाहित होता रहे। हे पृथ्वी, निष्कंटक सुख में स्थित रहने वाली तथा अति विस्तार युक्त आप हमारे लिए सुखकारी बने और हमें शरण प्रदान करें। हे जल देवता, आप जल देने वाले हैं और सुख की भावना करने वाले व्यक्ति के लिए स्नान पान आदि के द्वारा सुख के उत्पादक हैं। हमारे रमणीय दर्शन और रसानुभाव के निमित्त यहाँ स्थापित हो जाइए। हे जल देवता, आपका जो शांत रूप सुख का एकमात्र कारण रस इस संसार में स्थित है, हमको उस रस का भागी उसी तरह बनाएं जैसे प्रीति युक्त माताएं अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं। हे जल देवता, आपके उस रस की प्राप्ति के लिए हम शीघ्र चलना चाहते हैं जिसके द्वारा आप सारे जगत को तृप्त करते हैं और हमें भी उत्पन्न करते हैं। द्यूलोक रूप शांति, अंतरिक्ष रूप शांति, भूलोक रूप शांति, जल रूप शांति, औषधि रूप शांति, वनस्पति रूप शांति, सर्वदेव रूप शांति, ब्रह्म रूप शांति, सर्व जगत रूप शांति और संसार में स्वभावतः
जो शांति रहती है, वह शांति मुझे परमात्मा की कृपा से प्राप्त हो। हे महावीर परमेश्वर, आप मुझको दृढ़ कीजिए। सभी प्राणी मुझे मित्र की दृष्टि से देखें, मैं सभी प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखूं और हम लोग परस्पर द्रोह स्वभाव से सर्वथा रहित होकर सभी को मित्र की दृष्टि से देखें। हे भगवान, आप मुझे सब प्रकार से दृढ़ बनाएं। आपके संदर्शन में अर्थात आपकी कृपा दृष्टि से मैं दीर्घ काल तक जीवित रहूं। हे अग्निदेव, सब रसों को आकर्षित करने वाली आपकी तेजस्विनी ज्वाला को नमस्कार है। आपके पदार्थ प्रकाशक तेज को नमस्कार है। आपकी ज्वालाएं हमें छोड़कर दूसरों के लिए तापदायक हों और हमारा चित्त शोधन करते हुए हमारे लिए कल्याणकारक हों। विद्युत रूप आपके लिए नमस्कार है। गर्जना रूप आपके लिए नमस्कार है। आप सभी प्राणियों को स्वर्ग का सुख देने की चेष्टा करते हैं, इसलिए आपको नमस्कार है। हे परमेश्वर, आप जिस रूप से हमारे कल्याण की चेष्टा करते हैं, उसी रूप से हमें भय रहित कीजिए। हमारी संतानों का कल्याण कीजिए और हमारे पशुओं को भी भयमुक्त कीजिए। जल और औषधियां हमारे लिए कल्याणकारी हों और हमारे उस शत्रु के लिए भी अमंगलकारी हों जो हमारे प्रति द्वेष भाव रखता है, अथवा हम जिनके प्रति द्वेष भाव रखते हैं। देवताओं द्वारा प्रतिष्ठित जगत के नेत्र रूप तथा दिव्य तेजोमय जो भगवान आदित्य पूर्व दिशा में उदित होते हैं, उनकी कृपा से हम 100 वर्षों तक देखें, अर्थात 100 वर्षों तक हमारी नेत्र ज्योति बनी रहे, 100 वर्षों तक सुख पूर्वक जीवन यापन करें, 100 वर्षों तक सुने अथवा 100 वर्षों तक श्रवण शक्ति से संपन्न रहें, 100 वर्षों तक अस्खलित वाणी से युक्त रहें, 100 वर्षों तक दैन्य भाव से रहित रहें, अर्थात किसी के समक्ष दीनता प्रकट न करें, 100 वर्षों से ऊपर भी बहुत काल तक हम देखें, जिए, सुने, बोलें और अधीन रहें। इस प्रकार रुद्रपाठ का शांत अध्याय पूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए पार्वतीपति भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय। श्री शिव रुद्राभिषेक अंतिम अध्याय स्वस्ति प्रार्थना मंत्र अध्याय। ओम। महती कीर्ति वाले ऐश्वर्यशाली इंद्र हमारा कल्याण करें। सर्वज्ञ तथा सबके पोषणकर्ता पूषा देव अर्थात सूर्य हमारे लिए मंगल का विधान करें। चक्रधारा के समान जिनकी गति को कोई रोक नहीं सकता, वे ताक्षर्य देव हमारा कल्याण करें और वेदवाणी के स्वामी बृहस्पति हमारे लिए कल्याण का विधान करें। हे अग्निदेव, आप हमारे लिए पृथ्वी पर रस धारण कीजिए, औषधियों में रस डालिए, स्वर्ग लोक तथा अंतरिक्ष में रस स्थापित कीजिए। आहुति देने से सारी दिशाएं और विदिशाएं मेरे लिए रस से परिपूर्ण हो जाएं। हे दर्भ मालाधार वंश, आप यज्ञ रूप श्री विष्णु के ललाट स्थानीय हैं। हे ललाट के प्रांत दव्य, आप दोनों यज्ञ रूप श्री विष्णु के ओठ संधि रूप हैं। हे बृहत सूची, आप यज्ञीय मंडप की सूची हैं। हे ग्रंथि, आप यज्ञीय श्री विष्णु रूप मंडप की मजबूत गांठ हैं। हे हविर धान, आप विष्णु संबंधी हैं। इस कारण श्री विष्णु की प्रीति के लिए मैं आपका स्पर्श करता हूँ। दोनों हविर धानों अर्थात शकटों को दक्षिणोत्तर स्थापित करके उनके ढक्कनों का मंडप बनाएं। हविर धान मंडप के पूर्व द्वारवर्ती स्तंभ के मध्य में कुशों की माला गूथें। अग्नि देवता, वायु देवता, सूर्य देवता, चंद्र देवता, वसु देवता, रुद्र देवता, आदित्य देवता, मरुत देवता, विश्वे देव देवता, बृहस्पति देवता, इंद्र देवता और वरुण देवता का स्मरण करके मैं इस इष्टिका को स्थापित करता हूँ। मैं सद्योजात नामक परमेश्वर की शरण लेता हूँ। पश्चिमाभिमुख भगवान सद्योजात के लिए प्रणाम है। हे रुद्रदेव, अनेक बार जन्म लेने हेतु मुझे प्रेरित मत कीजिए, किंतु जन्म से दूर करने के निमित्त मुझे तत्व ज्ञान के लिए प्रेरणा प्रदान कीजिए। संसार के उद्धार करता सद्योजात के लिए नमस्कार है। उत्तराभिमुख वामदेव के लिए नमस्कार है। उन्हीं के विग्रह स्वरूप ज्येष्ठ श्रेष्ठ रुद्र काल कल विकरण बल बल प्रमथन सर्वभूत दमन तथा मनोनमन इन महादेव की पीठाधिष्ठित शक्तियों के स्वामियों को नमस्कार है। दक्षिणाभिमुख सत्वगुण युक्त अघोर नामक रुद्र देव के लिए प्रणाम है। इसी प्रकार राजस गुण युक्त घोर तथा तामस गुण युक्त घोरतर नामक रुद्र के लिए प्रणाम है। हे शर्व, आपके रुद्र आदि सभी रूपों के लिए नमस्कार है। हम लोग उन पूर्वाभिमुख तत्पुरुष महादेव जी को गुरु तथा शास्त्र मुख से जानते हैं।
ऐसा जानकर हम उन महादेव जी का ध्यान करते हैं, इसलिए वे रुद्र हमको ज्ञान ध्यान के लिए प्रेरित करें। उन ऊर्ध्वमुखी भगवान ईशान के लिए प्रणाम है जो वेद शास्त्रादि विद्या और 64 कलाओं के नियामक, समस्त प्राणियों के स्वामी, वेद के अधिपति एवं हिरण्यगर्भ के स्वामी हैं। वे साक्षात ब्रह्म स्वरूप परमात्मा शिव हमारे लिए कल्याणकारी हों, अथवा उनकी कृपा से मैं भी सदा शिव रूप हो जाऊं। हे क्षुर, आपका नाम शांत है, आपके पिता वज्र हैं, मैं आपके लिए नमस्कार करता हूँ। आप मुझे किसी प्रकार की क्षति मत पहुँचाइए। हे यजमान, आपके बहुत दिनों तक जीवित रहने के लिए, अन्न भक्षण करने के लिए, संतति के लिए, द्रव्य वृद्धि के लिए तथा उत्तम अपत्य उत्पन्न होने के लिए और उत्तम सामर्थ्य की प्राप्ति के लिए मैं आपका वपन अर्थात मुंडन करता हूँ। हे सूर्यदेव, आप मेरे सभी पापों को दूर कीजिए और जो कुछ भी मेरे लिए कल्याणकारी हो उसे मुझे प्राप्त कराइए। द्यूलोक रूप शांति, अंतरिक्ष रूप शांति, भूलोक रूप शांति, जल रूप शांति, औषधि रूप शांति, वनस्पति रूप शांति, सर्वदेव रूप शांति, ब्रह्म रूप शांति, सर्व जगत रूप शांति और संसार में स्वभावतः जो शांति रहती है वह शांति मुझे परमात्मा की कृपा से प्राप्त हो। सभी वेदों का तत्व स्वरूप रस जो सामवेद अथवा भगवान साम अर्थात भगवान विष्णु या कृष्ण हैं, वे अपने उसी साम रस से समस्त वेदों का अभिसिंचन करते हैं। इस प्रकार श्री शिव रुद्राभिषेक का स्वस्ति प्रार्थना मंत्र अध्याय पूर्ण हुआ, रुद्राष्टाध्यायी संपूर्ण हुई। श्रोताओं, किसी भी मंत्र, स्तोत्र अथवा अनुष्ठान के अंत में क्षमा प्रार्थना मंत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कई बार इनके अनुष्ठान में हमसे जाने अनजाने में कई गलतियां हो जाती हैं। तो आइए हम इस श्री शिव रुद्राभिषेक के पाठ के अंत में भगवान शिव से क्षमा मांगने हेतु आदि शंकराचार्य रचित श्री शिव अपराध क्षमापन स्तोत्र का पाठ करते हैं। ओम। पहले कर्म प्रसंग से किया हुआ पाप मुझे माता की कुक्षी में ला बिठाता है, फिर उस अपवित्र विष्टामूत्र के बीच जठराग्नि खूब संतप्त करता है। वहां जो जो दुख निरंतर व्यथित करते रहते हैं उन्हें कौन कह सकता है। हे शिव, हे शिव, हे शिव, हे महादेव, हे शंभो, अब मेरा अपराध क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। बाल्यावस्था में दुख की अधिकता रहती थी, शरीर मल मूत्र से लिथड़ा रहता था और निरंतर स्तनपान की लालसा रहती थी। इंद्रियों में कोई कार्य करने की सामर्थ्य न थी, शैवी माया से उत्पन्न हुए नाना जंतु मुझे काटते थे। नाना रोग आदि दुखों के कारण मैं रोता ही रहता था। उस समय भी मुझसे भगवान शंकर का स्मरण नहीं बना। इसलिए हे शिव, हे शिव, हे शिव, हे महादेव, हे शंभु, अब मेरा अपराध क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। जब मैं युवावस्था में आकर प्रौढ़ हुआ तो 5 विषयी रूपी सर्पों ने मेरे मर्म स्थानों में डसा, जिससे मेरा विवेक नष्ट हो गया और मैं धन, स्त्री और संतान के सुख भोगने में लग गया। उस समय भी आपके चिंतन को भूलकर मेरा हृदय बड़े घमंड और अभिमान से भर गया। अतः हे शिव, हे शिव, हे शिव, हे महादेव, हे शंभो, अब मेरा अपराध क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। वृद्धावस्था में भी जब इंद्रियों की गति शिथिल हो गई है, बुद्धि मंद पड़ गई है और आदि दैविकादि तापों, पापों, रोगों और वियोगों से शरीर जर्जरित हो गया है, मेरा मन मिथ्या मोह और अभिलाषाओं से दुर्बल और दीन होकर आप श्री महादेव जी के चिंतन से शून्य ही भ्रम रहा है। अतः हे शिव, हे शिव, हे शिव, हे महादेव, हे शंभु, अब मेरा अपराध क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। पद पद पर अति गहन प्राश्चितों से व्याप्त होने के कारण मुझसे तो स्मार्त कर्म भी नहीं हो सकते। फिर जो द्विज कुल के लिए सार रूप में विहित है, उन ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग स्वरूप पूर्णतः प्रमाणित श्रौत कर्मों की तो बात ही क्या है। धर्म में आस्था नहीं है और श्रवण मनन के विषय में विचार ही नहीं होता, ध्यान भी कैसे किया जाए। अतः हे शिव, हे शिव, हे शिव, हे महादेव, हे शंभु, अब मेरा अपराध क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। प्रातः काल स्नान करके आपका अभिषेक करने के लिए मैं गंगा जल लेकर प्रस्तुत नहीं हुआ, न कभी आपकी पूजा के लिए वन से बिल्व पत्र ही लाया और न ही आपके लिए तालाब में खिले हुए कमलों की माला तथा गंध पुष्प ही लाकर अर्पण किए। अतः हे शिव,
हे शिव, हे शिव, हे महादेव, हे शंभु, अब मेरा अपराध क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। मधु, घृत, दधि और शर्करा युक्त दूध अर्थात पंचामृत से मैंने आपके लिंग को स्नान नहीं कराया, चंदन आदि से अनुलेपन नहीं किया, धतूरे के खिले हुए फूलों, धूप, दीप, कपूर तथा नाना रसों से युक्त नैवेद्यों द्वारा पूजन भी नहीं किया। अतः हे शिव, हे शिव, हे शिव, हे महादेव, हे शंभो, अब मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। मैंने चित्त में शिव नामक आपका स्मरण करके ब्राह्मणों को प्रचुर धन नहीं दिया, न आपके एक लक्ष बीज मंत्रों द्वारा अग्नि में आहुतियां दी, और न व्रत एवं जप के नियम से तथा रुद्र जाप और वेद विधि से गंगा तट पर कोई साधना ही की। अतः हे शिव, हे शिव, हे शिव, हे महादेव, हे शंभो, अब मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। जिस सूक्ष्म मार्ग प्राय सहस्त्र दल कमल में पहुंचकर प्राण समूह प्रणव नाद में लीन हो जाते हैं, और जहां जाकर वेदों के वाक्यार्थ तथा तात्पर्य भूत पुण्यता आविर्भूत ज्योति रूप शांत परम तत्व में लीन हो जाता है, उस कमल में स्थित होकर मैं सर्वांतर्यामी कल्याणकारी आपका स्मरण नहीं करता हूँ। अतः हे शिव, हे शिव, हे शिव, हे महादेव, हे शंभु, अब मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। नग्न, निसंग, शुद्ध और त्रिगुणातीत होकर मोहांधकार का ध्वंस कर तथा नासिकाग्र में दृष्टि स्थिर कर मैंने आप शंकर के गुणों को जानकर कभी आपका दर्शन नहीं किया, और न उन मणि अवस्था से कलिमल रहित आप कल्याण स्वरूप का स्मरण ही करता हूँ। अतः हे शिव, हे शिव, हे शिव, हे महादेव, हे शंभो, अब मेरे अपराधों को क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। चंद्रकला से जिनका ललाट प्रदेश उद्भासित हो रहा है, जो कंदर्पहारी हैं, गंगाधर हैं, कल्याण स्वरूप हैं, सर्पों से जिनके कंठ और कर्ण भूषित हैं, नेत्रों से अग्नि प्रकट हो रही है, हस्ति चर्म की जिनकी कंथा है तथा जो त्रिलोकी के सार हैं, उन भगवान शिव में मोक्ष के लिए अपनी संपूर्ण चित्त वृत्तियों को लगा दे, और कर्मों का क्या प्रयोजन है? इस धन, घोड़े, हाथी और राज्यादि की प्राप्ति से क्या? पुत्र, स्त्री, मित्र, पशु, देह और घर से क्या? इनको क्षण भंगुर जानकर रे मन, दूरी से ही त्याग दे, और अविलंब आत्मानुभव के लिए गुरु वचनानुसार पार्वती वल्लभ श्री शंकर का भजन कर। देखते देखते आयु नित्य नष्ट हो रही है, यौवन प्रतिदिन क्षीण हो रहा है, बीते हुए दिन फिर लौट कर नहीं आती, काल संपूर्ण जगत को खा रहा है, लक्ष्मी जल की तरंग माला के समान चपल है, जीवन बिजली के समान चंचल है। अतः हे शरणागत वत्सल भगवान शंकर, मुझ शरणागत की अब आप रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हाथों से, पैरों से, वाणी से, शरीर से, कर्म से, कर्णों से, नेत्रों से अथवा मन से भी जो अपराध किए हों, वे विहित हों अथवा अविहित, उन सब को हे करुणा सागर महादेव शंभु, क्षमा कीजिए। आपकी जय हो, जय हो। इस प्रकार आदि शंकराचार्य रचित श्री शिव अपराध क्षमापन स्तोत्र संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। प्रिय श्रोताओं, यदि आपको श्री शिव रुद्राभिषेक का हिंदी पाठ अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, तथा इसे अन्य शिव भक्तों में भी शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।